पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनि नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। हरे कृष्ण। ये गेट्स दोनों बंद कर दीजिए। तो हमने लास्ट क्लास में जो पढ़ा था उसको एकदम फास्ट रिकैप करते हैं और आगे चलते हैं। पिछली क्लास में हमने ये चर्चा किया था कि जब अर्जुन ने युद्ध करने के लिए मना कर दिया, अपना गांडीव रख दिया, तो भगवान उनको शिक्षा देने के लिए आगे बढ़े। तो उन्होंने पांच रीजंस दिए थे युद्ध नहीं करने के। उन सारे क्वेश्चंस को भगवान एक एक करके आंसर देने वाले हैं और कुछ आंसर दे चुके हैं। तो जब उन्होंने कहा कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, और ये भी लास्ट में उन्होंने कहा कि मैं निर्णय नहीं ले पा रहा हूँ कि मेरे लिए सही क्या है, वॉट इज बेस्ट फॉर मी, तब तो वो बोले मैं आपका शिष्य हूँ, शिष्यस्ते अहम शालिमाम त्वाम प्रपन्नम, अब मुझे गाइड करो, मैं आपका शिष्य हूं। तो यहां पर गीता को ग्रहण करने का मूड पता चलता है। गीता को सुनने वाले व्यक्ति को शिष्य के स्तर पर आना पड़ेगा, अर्जुन के स्तर पर आना पड़ेगा, तब गीता का ज्ञान आरंभ हुआ कृष्ण के द्वारा। तो 11वें श्लोक से लगभग लेकर 13वें श्लोक से 30 श्लोक तक आत्मा और शरीर का भेद पता किया हमने, और उसको कुछ सिम्टम्स भी देखे। फिर 31 श्लोक से लेकर हमने ये देखा कि कैसे कैसे भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं कि योग का कैसे अवलंबन होता है, बढ़ता कैसे योग। पहले हम सब लोग किसी ने पूछा कि शास्त्र क्यों है, वेद क्यों है, वेद का कार्य क्या है। वेद का कार्य है पशु जीवन से मनुष्य जीवन बनाना, वेद का काम है। जैसे देखो, शराबी शराब पीता है। अब जैसे आप लोग, कई लोग बिहार के, उनको पता है बिहार में शराब बंद, क्या वहां लोग शराब नहीं पीते हैं? अभी पीते हैं, पर कैसे पीते हैं? इलीगल तरीके से। इसलिए गवर्नमेंट क्या करती है, बोलिए शराब ही शराब पिएगा, पर उसके लिए क्या तरीका निकालो कि आप सरकारी ठेके कैसे ही ले सकते हैं, ऑथराइज्ड जगह से शराब पी सकते हो, वो भी घर जाकर, ना रास्ते में ना गाड़ी चलाते हुए, घर जाके पीजिए, ताकि पीने वाला पिएगा ही। 1990 में एक सूरा कांड हुआ था चेन्नई में, एक व्यक्ति ने घर में ही शराब बनाया, सोचा सस्ते में बन जाएगी, पियेंगे ना, और उसमें पता आप कितने लोग मर गए? 90 लोग मर गए उसको पी के, क्योंकि उसका जो बनाया था कुछ ज्यादा ही खतरनाक बन गया था, ज्यादा ही नशा था उसको, लोग ऐसा पिए कि वापस उठे ही नहीं। तो उसको सूरा कांड के नाम से जाना जाता है। तो गवर्नमेंट क्या चाहती है कि लोग पिएंगे ही, कुछ लोग ऐसे होते हैं पर रिस्ट्रिक्शन वे में पिए ताकि समाज को भी नुकसान ना हो और वो व्यक्ति भी ऐसे कुछ उसकी मौत ना हो जाए। इसलिए मांस खाने के लिए शास्त्रों में दिया हुआ है, पर कैसे दिया गया है कि अमावस्या के रात को अपने हाथ से खुद मारोगे खाओगे, तो उससे क्या होगा? अब खुद मार के जो खाएगा वो कैसे खाएगा? अब सोचो किसी बकरे का आपको काटना पड़े, पहले तो बांधो, फिर काटो, फिर शरीर को अलग करो, तो आधा से अधिक तो वैसे ही खाने का मन खत्म हो जाएगा। हमको क्या है कि ऑर्डर करना पड़ता है और लीसेस वो कंपनी भेज देती है। आपको लगता है फर्स्ट क्लास बन गया, हमको कोई पाप नहीं लगा, मैंने थोड़ी मारा है, पर जो मारता है, जो पालता है, जो बेचता है, जो काटता है, जो बनाता है और खाता है, छह लोग सबको बराबर पाप मिलता है। इसलिए कोई बोलता ना मैं दुकान खोला हूँ, अंडे की दुकान खोला हूँ, मैं खाता नहीं हूँ, उसको रिएक्शन लेना पड़ेगा। जो बोलता है मैं सप्लाई करता हूँ, मैं जोमेटो में काम करता हूँ, मैं सप्लाई करता हूँ, तो आपको भी रिएक्शन लेना पड़ेगा, राइट? लेकिन रिस्ट्रिक्शन वे में जब करते हैं तो उसके रिएक्शन तो मिलते भी हैं, पर एज वेल क्या होता है, बहुत बड़ा पाप नहीं होता। तो कम से कम रिस्ट्रिक्शन वे में करो, ये वेद का सिस्टम, यानी आप पशु से मनुष्य बन जाओ। रूल्स रेगुलेशन जो आपने कभी देखा कि कुत्ता सिग्नल फॉलो करने में चालान हो गया, कुत्ते का कभी हुआ? कुत्ते का चालान बाहर निकला, पुलिस लोग इधर आओ, कहाँ है लाइसेंस तुम्हारा, कैसे घूम रहे तुम, जेबरा क्रॉसिंग से क्यों नहीं गए तुम? कुत्ते का चालान नहीं होता, क्योंकि उसके लिए रूल्स रेगुलेशंस
नहीं है, मनुष्यों के लिए। तो मनुष्य बनने के लिए आपको रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ेगा। अब मनुष्य बन गए हो, पशु से मनुष्य बनने के लिए जो रूल्स रेगुलेशंस थे उसको अब भी फॉलो कर रहे हो, ये मूर्खता है। ये बात बोल रहे हैं कि बोलती या इमं पुष्पिता वाचम, यानी फ्लावरी वर्ड से अट्रैक्ट मत हो अर्जुन, तुम ऑलरेडी डिवोटी हो। तो डिवोटी को ये वेदों को फॉलो नहीं करना चाहिए। वेदों से ऊपर जो है, वेदों के एसेंस जो है वो ज्ञान में तुम्हें दे रहा हूं, वो फॉलो करना चाहिए। वो क्या जी, कर्मयोग। कर्मयोग के बारे में बताना प्रारंभ किया उन्होंने, तो उसके पहले ही बता रहे हैं कि जो व्यक्ति वन पॉइंट इंटेलिजेंस नहीं रखता है उसको क्या 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 उसके ऑब्स्टिकल्स हैं। पूरे भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम त्याप्रतः चेतसाम व्यवसात्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। समाधि का मतलब होता है कि हमारे मन को एकाग्रचित होकर फोकस करना एक जगह पर। वो कब नहीं होगा? जब भोग ऐश्वर्य प्रसक्त नाम, भोग और ऐश्वर्य, भोग मतलब बहुत ज्यादा एंजॉय करने की इच्छा, और ऐश्वर्य मतलब ऑपुलेंस लाइफ, ज्यादा गाड़ी बंगला महंगा चीजें रहना वहना पहनना। ये क्या करता है आपको ना चकाचौंध कर देता है। देखिए बताता हूँ, बहुत सिंपल सा बात है, समझ जाएंगे। आप जब पार्टी में जाते हैं, बहुत सारे बैंक से लॉकर्स निकाल के गहने वहने पहन के, आपका क्या उद्देश्य होता है? लोग आपको देखें, राइट, है ना? सब यही सोचते हैं। जैसे एक बार तीन लड़कियां औरतें हैं, वो नए नए गहने पहन जाती है, कंगना कंगन, एक गले का, एक कान का। एक जाती है सब्जी वाले के पास, अब सब्जी वालों गहने को देख नहीं रहे, तो बार बार कंगना हिला के बोलती है, सब्जी कैसे दिए, सब्जी कैसे दिए, सब्जी। बता ऐसे क्यों कर रही है, पता नहीं, वो ध्यान नहीं देता है। फिर तो उसका हाथ को देखता, हाँ शायद नया नया चूड़ी पहना है सोने का। दूसरी बोलती कि सब्जी कैसे दे रहे हैं, सब्जी कैसे दे रहे हैं। उसके बाद ऐसे पूछती तीसरी वाली, सब्जी कैसे दे रहे, सब्जी कैसे। वो समझ गया कि वो नए कपड़े दिखाने का सिस्टम है, नया कुछ दिखाने। वो अपना स्वेटर खोल लेता है, बोलता है 10 रुपए किलो, 10 रुपए किलो, क्योंकि तो उसने नया टी शर्ट पहना रखा। तो हम पार्टीज में जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं जस्ट टू शो, दिखाने के लिए। और जब कहीं दिखाते हो तो क्या आपका फोकस होता है, कौन कौन मुझे देख रहा है? तो आप उस तरफ फोकस हो कि लोग मुझे देख रहे हैं, तो आपका ध्यान जो है भगवान की तरफ नहीं होगा, जिस तरफ फोकस करना है उधर नहीं होगा। इसलिए ऐश्वर्य भी क्या होता है, तया अपहृत चेतसाम, आपकी चेतना का अपहरण कर लेता है ऐश्वर्य और भोग। इसलिए भगवान बोल रहे हैं ऐसा व्यक्ति फोकस नहीं हो सकता, ठीक। ऐसा व्यक्ति इम्पेशेंट होता है। तो हम लोग अब आगे चर्चा करते हैं। ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि निष्काम कर्म योग हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं, हाउ टू प्रैक्टिस निष्काम कर्म योग। आप घर में रहते हैं, फैमिली में रहते हैं, कहीं भी रहते हैं, स्टूडेंट है, जॉब में है, निष्काम कर्म योग ये आप बहुत सुने होंगे श्लोक, है ना? जब महाभारत आता था तो ये श्लोक आता था, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुर् माते संगस्त्व कर्मणि। लेकिन इसका मतलब नहीं जानते लोग, अपने अपने घरों में दुकानों में लगा देते हैं। तो कर्म कर, फल की चिंता मत कर, कल किसने देखा है, तो क्या लेकर आया था, क्या लेके जाएगा। गीता का संदेश ऐसा कुछ नहीं लिखा गीता में। गीता में जो लिखा है कुछ और लिखा है। लोग गीता के नाम पर ऐसा ऐसा संदेश दे देते हैं जो हम लोग खुद के बनाए होते हैं। तो गीता का संदेश क्या है, यहाँ पर चार बातें बताई गई हैं कि ड्यूटीफुल वर्क विद डिटैचमेंट टू रिजल्ट, कर्म भी करना है और कर्म करते समय बहुत अच्छे से करना है और फल की चिंता नहीं करना। ये कैसे हो सकता है? जैसे आपको बोले कि आपको 100% लेकर आना है एग्जाम में, तो फल की चिंता मत करो, तब तैयारी कैसे करोगे एग्जाम? ऐसा मान लीजिए कोई आप में से मदर आप किचन में जा रही हैं और किचन में जाके बोलती हैं सारा सामान रख दूंगी, अपने आप जो बनना बनेगा, बन जाएगा अपने आप। आपको कितना दिमाग लगाना पड़ता है। मान लीजिए आप कुछ अच्छा आइटम बनाना चाहते हो, प्रिपरेशन करना चाहते हो फीस्ट का, कितनी प्लानिंग करनी पड़ती है ना? आप सोचे नहीं नहीं हम प्लानिंग करने की जरूरत नहीं, सब अपने आप हो जाएगा। नहीं, कर्मणि एव अधिकारस्ते, कर्म का अधिकार है पर उसको कैसे करना चाहिए, ड्यूटीफुल, कर्तव्य समझ कर अच्छे से करना चाहिए कि नहीं मुझे इसके रिजल्ट पर काम करना है।
लेकिन रिजल्ट्स पे काम करना है, रिजल्ट लेना नहीं है। माँ फलेषु कदाचन, फल पर चिंता मत करो। तो ये कैसा है, जैसे मान लीजिए आप अपने मित्र को रेस में फर्स्ट लाना चाहते हैं, लेकिन आप अच्छा दौड़ते भी हैं, तो अगर आप रेस में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे और आपका मित्र फर्स्ट आ गया, तो उसको पता चलेगा कि आपने कुछ दिया उसको? नहीं, क्योंकि तो आपने पार्टिसिपेट ही नहीं किया। लेकिन वो भी दौड़ रहा, आप भी दौड़ रहे हो, लास्ट मोमेंट पर आप थोड़ा पीछे रह गए, वो फर्स्ट आ गया, तब लगेगा आपने फल को दिया उसको, राइट? आप पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे हो, तो फल कहाँ दिया आपने? तो फल कब दे सकते हैं? जब कर्म करेंगे। कर्म अच्छे से करेंगे, अच्छे से करेंगे मतलब फल चाहते थे, और फल किसको दे दिया? भगवान जी को। दैट इज कॉल्ड कर्मणि एवंकारस्य मा फलेषु कदाचित्। तो बोला फिर कर्म करने का मन कर नहीं रहा, ऐसा है तो फल देना ही है, तो मन बेमन से करो। तुम तो क्या बोल रहे, मा करो फल हेतुर, या जो संस्कृत में माँ का मतलब ना होता है, ऐसे नहीं कि कर्म फल, कर्म करने के लिए बिल्कुल ऐसा नहीं कि उस पर आसक्ति मत रखो, फल पर आसक्ति मत रखो। तो बोले कर्म क्यों करूंगा कि नहीं करूं, मेरी मर्जी, फिर आसक्ति भी नहीं रखना है, फल तुम ही ले लोगे, कर्तव्य समझ के करो, व्हाट इज दिस? तो बोलते हैं माते संगस्त अकर्मणि, ये भी नहीं करना है कि कर्म मुझे नहीं करने का मन जो है, इसकी आसक्ति मत रखो। मैं कर्म क्यों करूं, मैं नहीं करूंगा, बेमन से करूंगा, नहीं। उदाहरण के लिए हम देखते हैं हनुमान जी का। हनुमान जी बेस्ट एग्जाम्पल है, उन्होंने सारे एक्टिविटीज जो किए हैं फुल ड्यूटीफुल किया, बिना फल के। आपको क्या लगता है, रावण को नहीं मार सकते थे हनुमान जी? ऐसे मचल जाते थे ऐसे। देखो हम क्या बोले थे, सिर्फ पता लगाना, सिर्फ पता लगाना है कि सीता जी कहाँ है, उनका यही ड्यूटी था, कोई ड्यूटी करके आ गया। ये होता है सेवा का भाव। वहां जाके चौधरी नहीं बने थे कि मैं हूं रामदूत, अब छोड़ूंगा नहीं मैं। तो भगवान यही बात बता रहे हैं, वी हैव राइट टू डू वर्क व्हाट इज प्रिफर्ड टू, क्या हमें जो बताया जाए। हमने याद की पिछले क्लास में पढ़ा था, दो प्रकार की हमारी ड्यूटीज होती हैं। एक ड्यूटीज होती हैं जो स्वधर्म, स्वधर्म कौन सा धर्म, एक शरीर का स्वधर्म, एक आत्मा का स्वधर्म। तो हम लोग परिवार, घर, ये ड्यूटीज तो करना है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र हैं, आप कोई कर्म करते हैं, कार्य करते हैं, डॉक्टर हैं, स्टूडेंट हैं, वो भी करिए, वो भी स्वधर्म है, उसको भी अच्छे से करिए। लेकिन एक आत्मा का धर्म है, उसको भी अच्छे से करना पड़ेगा, दोनों धर्म को बैलेंस करके चलना, ठीक? और कई बार ऐसे होता है कि हम लोग, जब हम लोग भगवान के लिए कर्म करते हैं, यानी इसको निष्काम कर्म कहते हैं, निष्काम शब्द को समझिए, निष्काम मतलब होता है निह, मतलब नहीं, काम मतलब फल की इच्छा, नहीं चाहिए हमें भगवान के लिए कर्म करना है, वो भगवान को ही फल देना है। जैसे एक स्टूडेंट कैसे कर सकता है, मैं प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बता रहा हूँ। स्टूडेंट तैयारी करता है कि मुझे, सपोज वो आईएएस की तैयारी कर रहा है, इसमें टॉप करना चाहता हूँ, रैंक वन आना, तो रैंक वन की तैयारी जरूर करेगा, लेकिन ये सोच के करेगा जब रिजल्ट आएगा, तो जब मुझे पूछा जाएगा कि आपको प्रेरणा कहाँ से मिली, बोले कृष्ण से मिली, ऑल क्रेडिट गोज टू कृष्ण, ये तरीका है, क्रेडिट नहीं लेगा बिल्कुल। अर्जुन ने जब युद्ध किया, तो युद्ध करते से उसने पहले क्या कहा था, करिष्ये वचनं तव, आप जो बोलोगे मैं करने के तैयार हूं, और युद्ध भी किया, ऐसे नहीं कि युद्ध नहीं किया, ये नहीं कि कृष्ण किधर मारू तीर, उसको मारू, उसको मारू, नहीं, वो अपने टैलेंट के साथ पूरा युद्ध किया, और जब बोला गया कि नहीं अब इसका फल तुम्हें आप सोचना नहीं है, युद्ध, लाभ लाभो ले जया जयो, ना लाभ अलाभ, न जया और जय, पराजय के लिए भी नहीं, हार के लिए नहीं, जीत के लिए नहीं, लाभ के लिए नहीं, हानि के लिए, तो बोले युद्ध क्यों करो फिर, युद्ध करना किस लिए? बोले मेरे लिए करो, हार होगा तो मेरा, जीत होगी तो मेरे, बस तुम मेरे लिए करो। जब ये कर देना, जैसे युद्ध करने जाते हो तो या तो व्यक्ति शहीद हो जाता है या दूसरे को शहीद कर देता है, किसके लिए? गवर्नमेंट के लिए। अब देखो योद्धा कैसे होता है, वो गोली खाने के तैयार हो जाता है, ऐसे खड़ा होता है, बोलता गोली मारो, कितना प्रेम उसको देश। ऐसे जब भगवान से प्रेम होता है, तब तो कम कर्म करने के लिए तैयार हो जाते। लेकिन कैसा होना चाहिए, टोटली डिटैच होकर, ये कठिन काम है, लेकिन यही परफेक्शन देता है, यही आपको शांति देता है।
किसी चीज के रिजल्ट से अटैच होकर जब काम करते हैं, तो मैं एक उदाहरण देता हूँ उसमें, मैं अपना एक एग्जाम्पल देता हूँ। जब मेरा एक पहली बार इंटरव्यू हुआ था हुंडई में, तो मैं बड़ा डरा हुआ था कि हुंडई में इंटरव्यू होने जा रहा है, पूछेंगे और मालिक जवाब नहीं दिया तो क्या होगा, बहुत घबराया हुआ था। तो इस ग्रेस बोनोबुजे ने मुझे बताया कि ये सोच के जाओ कि ये जॉब नहीं चाहिए, ठीक है, डिटैच हो गए। अब आपको जॉब नहीं चाहिए तो आपको डर ही नहीं लग रहा है, जो पूछना पूछो। तो मेरे से पूछते हैं, इंटरव्यू पूछते हैं कि मैं एकदम बिल्कुल डर निकल गया मेरे मन से, जॉब चाहिए ही नहीं, तो किस बात का डर, जो पूछना है पूछो, उठपटांग आंसर करेंगे। तो मुझसे पूछता है कि अपने बारे में बताओ, मतलब मैं एक आत्मा हूँ और भगवान का दास हूँ। बोलते हैं ये फिलोसफी नहीं, बोला सर आप अपने बारे में बताने बोला, बताओ मैं आत्मा हूँ, एक शरीर धारण किया हूँ, शरीर का नाम ये है और इसने शरीर के माध्यम से मैंने ये पढ़ाई की, ये सब किया इसको। तो पहले हंसने लगा, बोलता हमारी कंपनी के लिए क्या करोगे, बोला कंपनी को चार चांद लगा दूंगा मैं। बोलते हैं बड़ा कॉन्फिडेंट आदमी हो आप। बोला सर मुझे पता है कि इंटरव्यू में आप लोग ये देखना चाहते हो, कॉन्फिडेंट कॉन्फिडेंस कितना है मेरा, यही देखना चाहते हो, काम तो मुझे आप सिखाओगे। यार बात तो सही, मतलब तुम्हें डर नहीं लग रहा है, जनरल लोग आते हैं चार बार पानी पीते हैं, बोला मुझे डर नहीं लग रहा, मुझे पता है कि मेरे को जॉब मिलेगा मिलेगा। तो आप जब फल से अटैच होते हैं ना तो घबराते हो, जब फल से अटैच नहीं होते हो ना घबराते नहीं, आप बेस्ट करते हो। आप ये सोचो मुझे भगवान को खुश करना है और भगवान मेरे को देख रहे हैं कर्म करते हुए, तब आपको कोई डर नहीं होगा। इसी को बोलते हैं डिटैच्ड फ्रॉम रिजल्ट, नो गोल से। गोल होगा, बिना गोल के खेल कैसे खेलोगे, जैसे कोई फुटबॉल खेलने के मैच हो रहा है, बोले कोई गोल पोस्ट नहीं, खेलो तो पागल हो गया, बॉल कहाँ मारो भाई, बॉल कहीं किक मारने के लिए जगह तो होना चाहिए ना गोल पोस्ट पर, वो गोल का रिजल्ट किसको देना है, ठाकुर जी को, राइट। बाद में बताते हैं योगस्थ कुरु कर्माणि संगस्त त्यक्त्वा धनंजया सिद्धि असिद्धयो समभूत्वा समत्वा योग उच्यते, कि रियल योग क्या है, टू परफॉर्म ड्यू टू इक्विपॉइज्ड, यानी अपनी ड्यूटीज को करो सम रूप में, क्या त्यक्त्वा, क्या योगस्थ, योग में रहकर कुरु कर्माणि अपने कर्म करो, क्या समभूत्वा इक्वल इक्विपॉइज, इक्विपॉइज मतलब रिजल्ट अगर पॉजिटिव आया तो ठीक है, नेगेटिव तो ठीक है, मैंने अपना काम कर लिया। जैसे आप तीर चलाते हो, तीर को छोड़ दिए, अब आपका तीर आपसे छूटने के बाद दिशा तो नहीं करेगा। जैसे अभी हमने एक फोटो देखा था, ये देख रहे हो, इसमें एक तरफ पे माता है जो ना देख रही है लिफ्ट क्यों नहीं आ रहा है, लिफ्ट में जब आप बटन दबा देते हो उसके बाद 10 बार दबाने से जल्दी तो नहीं आता ना, देखिए लोग दबाते हो, देखा आपने, दबाते रहते हैं लिफ्ट जल्दी आती है, इससे आपने बटन दबा दिया लिफ्ट अपने समय अपने आप आए, रिजल्ट अपने आप आता जो आना है, हम लोग इम्पेशेंट हो जाते हैं। ऐसे ही कई लोग संसार में ऐसे कार्य करते हैं। हनुमान जी का है, हनुमान जी देखिए, हनुमान जी का एटीट्यूड से बहुत सीखना चाहिए। हनुमान जी से जब भी पूछा तुम कौन हो, तो बोले मैं राम का दूत हूँ, नाम नहीं बताते अपना, राम का दूत हूँ। एक अच्छे सेवक की पहचान यह है, देखिए तीन प्रकार के सेवक होते हैं, एक सेवक को भृत्य कहते हैं, भृत्य मतलब जो बॉडी की सेवा करता है, यानी मसाज करना, क्लीन करना, कुकिंग करना, कपड़े धोना, जो पर्सनल पर्सनल सर्विस होती थी बॉडी से रिलेटेड, दैट इज कॉल्ड भृत्य। और एक होता किंकर, किंकर मतलब हर समय पूछेगा मैं क्या करूं, किम करोति, क्या करूं, मुझे अब क्या करना है, आप क्या करना है। तो जो भृत्य वाला सेवा लक्ष्मण जी करते थे पर्सनल सर्विस, पर हनुमान जी किंकर थे, खड़े हो जाएंगे, हनुमान जाओ पता लगाओ वापस आ गया, और कुछ काम बताइए, किम करोति, इसलिए किंकर कहते हैं। और तीसरे जो होते हैं वो तो पेश्य होते हैं, प्रेश्य, प्रेश्य का मतलब होता है वो दूर रह के सेवा करते हैं, करते हैं सेवा जैसे गुप्तचर होते हैं, है ना, जैसे सुग्रीव जी हैं और विभीषण जी हैं, ये सब शुभचिंतक हैं, राम की सेवा करते हैं पर डिस्टेंस में सेवा करते हैं, इनडायरेक्टली सेवा करते हैं। तो हनुमान जी का ये भाव था, वो देखिए हनुमान जी भगवान से कैसे डील करते हैं,
हनुमान जी कैसे सीता माता जी से कैसे डील करते हैं। ऐसे नहीं कि सीता माता जी बोली कि जब उन्होंने बोला कि मैं आपको अपने कंधे पर बैठा के लेकर जाऊंगा, तो बोली तुम कैसे लेकर जाओ, तुम इतने छोटे हो, बहुत बड़े हो गए। बोले तुम छोटे बड़े कैसे होते हो, बोले मैं राम के लिए छोटा भी हो सकता हूँ, राम के लिए बड़ा भी हो सकता हूँ। तब सीता माता इतनी खुश हुई उनकी सेवा भावना से, देखिए कि कैसा सेवक है, क्या भावना है। बोलते लेकिन मैं तुम्हारे कंधे पर बैठ के नहीं जाऊंगी, राम आएगा तो राम के साथ जाऊंगा। तो ये नहीं बोला ऐसा थोड़ी होता है, मैं इतना मेहनत करके आया हूँ, लड़ाई उड़ाई किया, सब कुछ किया, व्हाट इज दिस, आपको चलना पड़ेगा, मतलब जैसे ये सब ठीक नहीं है, ऐसा नहीं किया उन्होंने। बोले ठीक है आप जैसे बोलिए, तो उन्होंने अपना चिन्ह निशानी दिया कि जाकर रामचंद्र जी कहीं। ऐसे ही वो जब जा रहे थे लंका जा रहे थे, तो उन्हें सूर्य इंद्र वायु सबसे प्रेयर किया, प्रार्थना की, उनके प्रणाम किया, कोई घमंड नहीं था। अरे मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मेरे पास ऐसी पावर बहुत है, याद आ गया मुझे मैं कौन हूँ, नहीं कोई घमंड नहीं, सेवक का भावना यही होता है। जैसे जामवन, जामवन के बताते हैं, जामवन जब यंग थे तो ब्रह्मांड का 7 बार चक्कर लगा लेते थे एक जंप में, श्रीलंकाओं का क्या है, बोले लेकिन बूढ़ा हो गया हूँ, मैं जंप कर जाऊंगा शायद वापस ना पाऊं। लेकिन हनुमान जी को क्रेडिट देना चाहते थे, तो जामन को बहुत प्रणाम किया, जामन के निकट आके कहे क्या आपने मेरी आंखें खोली है, आपका धन्यवाद। ऐसे अंगद के साथ, अंगद उनको लीडर थे, उनको लीड करने दिया, बलि के पुत्र थे। इस प्रकार से देखा जाए तो वो सबसे अच्छा लीड किए। इवन जो स्वयं प्रभा का स्टोरी सुना है, एक बहुत मायावी स्त्री थी जो गुफा में, लोग जब ढूंढते हुए चले गए थे सीता जी को ढूंढने, दक्षिण दिशा में गए तो गुफा में चले गए, और गुफा में बड़ा एंजॉय खाने लगे, कई दिन बीतने लगे। हनुमान जी को दिमाग में आया, ये हनुमान जी बोले यहाँ फैसिलिटी के चक्कर में सब लोग यहीं रुक गए। तो स्वयं प्रभा से कहते बोले यहाँ के फैसिलिटी से कोई निकल नहीं सकता, मैं इतना ज्यादा माया जाल में रखती हूँ। तो हनुमान जी की डीलिंग से स्वयं प्रभा खुश होकर उनको रास्ता बताएगी, इस दिशा में जाओगे तो लंका मिलेगा, जहाँ से सिम्टम्स मिलेंगे, तो जटायु के जटायु वहां पर प्राप्त हुए थे, राइट। इस प्रकार से यह मैनाक पर्वत का जानते हैं। मैनाक पर्वत ने क्या कहा कि आप मेरे को पहले, आपके ही पिता ने हमारी जान बचाई थी। असल में बताया जाता है कि जब पर्वत पहले उड़ते थे, उनके पंख थे, पर्वत उड़ते उड़ते थे, और पर्वत पर्वतनी पर्वतु उड़ के जा रहे, सोचो पूरी फैमिली, अचानक से पर्वत की पत्नी जो पर्वतनी बोलेगी कि सुनिए जरा यहाँ पर बैठ जाए, अब सोचो वहां बैठ गए एक पर्वत, पूरा गांव साफ हो जाए, ऐसा बड़ा गड़बड़ होने लगा। तो इंद्र को बड़ा क्रोध आया, कंप्लेन आया इंद्र के पास, इंद्र ने वजह से सारे जितने संसार के पर्वत पंख काट दिए, तो सारे पर्वत एक जगह स्टेबल हो गए। लेकिन ऊपर से गिर रहे थे, तो किसी किसी को अपने कहीं घर में ही गिरे तो अच्छा है ना, कहीं गिरने से अच्छा है। उस समय पवन देवता ने हेल्प किया था पर्वतों को स्टेबलाइज होने के लिए, जहां जहां उनके डिजायर था, उड़ा उड़ा के ले गए। तो मैनाक पर्वत ने कहा कि आपके पिता ने हमारी सहायता की थी, तो आप लंका के लिए यहाँ से जंप कर रहे हो रामेश्वरम से लंका के लिए, तो आप कृपया हमारे यहाँ पर थोड़ा रेस्ट कर लीजिए, हम भी थोड़ा हेल्प हो जाएगा, थोड़ा दान प्रदान, आपके पापा ने हमें हेल्प किया था, हम भी थोड़ा हेल्प कर दें। तो मैनाक पर्वत जी का हाथ जोड़ के बोलते हैं राम की सेवा में हूँ, मैं रेस्ट नहीं कर सकता, सेवा करने वाले को रेस्ट नहीं करना चाहिए। पता चला सो ही गए, उधर पता चला सब कुछ युद्ध समाप्त हो गया। तो इसलिए उन्होंने जो डीलिंग की, मैनाक पर्वत इतने खुश हुए भावना से, बोले अच्छा ठीक है एक कदम रख दो, एक कदम रख के और चले, राइट। तो हनुमान जैसा डीलिंग करना चाहिए अपने फ्रेंड से, कैसे डीलिंग करते हैं, बिना किसी घमंड के, सिर्फ सेवा की भावना से, दैट इज कॉल्ड निष्काम कर्मयोग, राइट। सबसे उन्होंने किया। तो क्या होता है कि जब हम लोग सेवा करने जाते हैं तो हमें ऑब्स्टेकल्स भी आएंगे, ऑब्स्टेकल्स आएंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, अपने आने वाले ऑब्स्टेकल्स को भी दूर करने का प्रयास करना पड़ेगा। जैसे मैं कर्म करने जा रहा हूँ और उसका फल भगवान को दूंगा, पर उसमें ऑब्स्टेकल आएगा तो बोले मैं क्या करूँ, ऑब्स्टेकल आएगा तो मेरे को फल तो वैसे नहीं मिलने वाला है। नहीं, आपके ऊपर फल ऑब्स्टेकल आए उससे भी लड़ना है आपको, ताकि रिजल्ट अच्छा मिले। जैसे मान लीजिए आप कुकिंग करने गए और कुकिंग में मान लीजिए आपको ऑयल नहीं मिल रहा है, बोले बिना ऑयल के बुला देंगे, नमक नहीं है, नमक क्यों डालूं, मैं कौन लेकर आएगा, फल तो मिलने वाला नहीं है, सब्जी कोई और खाएगा। बोले नहीं, आपको लाना पड़ेगा। जो ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं उसको भी
डील करना पड़ेगा। इसी को कहते हैं निष्काम कर्म योग, नहीं तो कर्म ना करने की इच्छा भी गलत है ना। तो दूरेण ही अवरम कर्मा, अवरम कर्म मतलब जो कुछ ऑब्स्टिकल्स आते हैं, तो इससे क्या होगा कि कोई बिना इच्छा के फल हितवा, बिना फल के आप कर्म को करो तो। लेकिन इससे क्या होता है, बेनिफिट्स क्या है, इस निष्काम कर्मियों को बुद्धि योग भी कहते हैं, इसके फल क्या बता रहे हैं, ठीक है, नो रिएक्शंस, पहला क्या फल मिलेगा, कोई रिएक्शन नहीं, हर कर्म का रिएक्शन याद रखना। अगर आपने जन्म में बहुत सारे कंबल बांटे हैं सर्दी में, तो अगला जन्म आपका होगा। जन्म के साथ सिर्फ जन्म नहीं होता है, जन्म मृत्यु जरावादी दुख दोषान दर्शनम, बीमारियां भी होगी, ठंडी गर्मी सर्दी झेलना पड़ेगा, परिवार नौकरी ये वो सब कुछ, फिर से एक मकान बनाओगे, फिर गाड़ी का लोन लोगे, सब करोगे सिर्फ कम्बल के चक्कर में। तो पुण्य कर्म भी आपको बांधता है, ये बता रहे हैं भगवान। अगर आप अपने के लिए पुण्य कर्म करते हो तो बांधता है, भगवान के लिए करोगे तो पुण्य कर्म बांधता नहीं है। आपको क्या होगा, नो रिएक्शन, बुद्धि युक्त जुहादिता। तो क्या होगा, नो बर्थ डेथ साइकिल, दोबारा बर्थ ही नहीं होगा। जन्म बंध विनिर्मुक्त, जन्म बंध से मुक्त हो जाओगे, दूसरा फायदा। तीसरा क्या होगा, बिल्कुल मोह कलिलम, आप बिल्कुल मोह से आसक्त नहीं होगे संसार से, इंडिफरेंस ना होगी, निर्वेदम, कोई आसक्ति नहीं संसार। इसमें जो भगवान की भक्ति करे ना, देखिए स्ट्रेस किसको होता है, आजकल स्ट्रेस बहुत हो रहा है राइट, स्ट्रेस किसको होता है, जो आसक्त रहता है चीज, जो ज्यादा आसक्त है उसको जब नहीं मिलता है उसको टेंशन होता है। जैसे मान लीजिए मैं करताल पकड़ा हूं, ठीक, मैं बहुत जोर से करताल पकड़ूंगा और आपको बोलूंगा खींचो, मुझे मेरे हाथ में दर्द होगा, और ऐसे पकड़े रहूंगा, अब ऐसे खींच लो तो पता नहीं चलेगा, मेरे को कोई स्ट्रेस नहीं हो मेरे हाथ में। स्ट्रेस किसको होता है, जो आसक्त होता है, और जो निर्वेद है बिल्कुल इंडिफरेंस, टेंशन नहीं, उसको स्ट्रेस ही नहीं होगा। क्या होता है भक्त को पता है, भक्त के पास अगर कोई मोबाइल चोरी हो गया ना, बोलते हैं प्रभु जी मेरा मोबाइल चोर हो गया, बोले अच्छा है, दो तीन दिन टेंशन फ्री रहेगा, भक्त ऐसा सोचता। और जो आसक्त होता है, मेरे पास जो डेटा था, तो ये था, कॉन्टैक्ट नंबर से क्या होगा भाई, को और कोई ले लेगा, देख लेगा, उसमें आप सारे कांड कर रखा है, सब इसलिए देखेगा, आपको उटपटांग मैसेजेस है, आपके उटपटांग उसमें डेटा है, लेकिन भक्त का कोई डेटा नहीं है, वो सारा जो भी लेगा बेचारा, हो सकता है वापस कर दे, भाई बोले किसी डिवोटी का इतना फोटो रखा है इसमें, वापस कर दो पाप लग जाएगा, देने आ जाएगा। एक बार हमारे एक सेंटर है छतरपुर, छतरपुर सेंटर में ना शटर डालते हैं, सेंटर को बंद करते हैं, उसमें तीन ताले लगते हैं, तो पहले से ही लगा था, हमने लगाया नहीं, चोर आया रात को चोरी करने के लिए, ठीक है, उसने पूरे तीन ताले तोड़े, शटर को तोड़ा, मेहनत खोर के गया, बोला यहाँ इतने लोग आते हैं भाई, गुल्लक होगा यहाँ पर, दान पेटी उड़ा देंगे, दान पेटी को तोड़ा तो उसमें निकले 250 रुपए, तीन लोग थे, तीनों दूसरे का कैमरा में सारा आ रहा था, उन्हें दूसरा वाला पागल हो गया, कहाँ लेकर आ गया हमें, 250 रुपए, चल इसमें 100-100 रुपए डालो उसमें, तो 100-100 बेचारे उस पर डाले, कहीं आए मंदिर इतना तोड़ा, कुछ तो डाल के जाए, यहाँ से तो कुछ मिला नहीं है, अब बाहर आए अपने आपस में झगड़ा करते, यानी वे हम तो कंप्लेन किए, तो वो जो जो मेहनत की है तो कुछ नहीं मिला, और वो 250 रुपये ले भी जाते तो कोई दिक्कत नहीं था, तो बहुत बड़ा लॉस नहीं हुआ। भक्त बिल्कुल बिंदास रहता, हम क्या करते हैं, हर 15 दिन में खाली कर देते हैं, ठाकुर जी की सेवा में लगा देते हैं, और जिसको जो अपने घरों में लॉकर में रखते हैं, तो उसके घर में अगर ऐसी भी आवाज आएगी ना, बोले कौन है, चोर तो नहीं आया, घबराहट होती कि उसके घर में पैसा है, राइट, जिसके घर में बहुत सारा पैसा अगर लॉकर में रखा हो ना, उसी को नींद नहीं आती, जिसके पैसा ही नहीं है, इसके पास रोड पैसे ही सोता रहता है, बगल से गाड़ियां जा रही आ रही, कोई मतलब नहीं, देख रहे, स्ट्रेस किसको होगा, जो आ सकता है। इसलिए जो भगवान के लिए सेवा करता है, रिजल्ट से पहले ही आ सकता नहीं है, तो उसको कोई लॉस होने से क्या लॉस लगेगा, मेरा बोले मेरा नहीं था, ये मोबाइल किसका है प्रभु जी, ये मोबाइल तो भगवान का है, भगवान ने किसी को भेज के मेरे से मंगवा लिया है, वो तो चोर नहीं है, ये मेरा चोरी किया है, भगवान ने मंगवा लिया। और क्या होता है,
सबाधम अच्छल बुद्धिस्, उसकी बुद्धि क्या होती है, समाधि में होती है, और फिक्स्ड इंटेलिजेंस होता है। तो ये चार उसको बेनिफिट्स होते हैं। नो रिएक्शन, को रिएक्शन पाप का नहीं मिलता है, पहले के पाप का, इस जन्म के पाप का एक भी रिएक्शन नहीं मिलता। अहम तो अहम सर्व पापे विमोक्ष्यामि मां सुच, सारे पापों को नष्ट कर दूंगा, भगवान बोल रहे हैं भगवद गीता में 18 चैप्टर वर्स नंबर 66 पे। और नो बर्थ, डेथ, जन्म नहीं होगा, सारा समस्या तो जन्म से ही होता है। मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, मृत्यु से मत डरिए, मृत्यु तो सब कुछ खत्म कर देगी, अच्छा है। डरिए किससे, जन्म से, उसे झंझट पैदा होता है, स्कूल कॉलेज बीमारी, ये कमाओ वमाओ घर बनाओ, कितना झंझट, सुबह सुबह टिफिन लेकर बच्चे को छोड़ने जाओ स्कूल, अपना धक्के खाओ स्टेशन में इधर उधर, वो सब का झंझट खत्म अगर जन्म नहीं हुआ तो। जन्म प्रॉब्लम है एक्चुअली, राइट। तो नो बर्थ एंड डेथ साइकिल, इंडिफरेंस एंड फिक्स्ड इंटेलिजेंस एंड ट्रांस, राइट। ओके, तो हम पढ़ रहे थे, याद है गीता, ठीक है। जी से क्या आता है, किसको याद है, गुरु। आई से आइडेंटिटी, मैं कौन हूं। तो हम लोग 13वें श्लोक से पढ़े थे, उन्होंने गुरु धारण किया 7वें श्लोक में, और आइडेंटिटी उनको मिली थी 11 से, सॉरी 13 से 30 में, और 30 से क्या था, टू ड्यूटीज, अपनी ड्यूटी करना है, अपना कर्म, अभी पढ़ा हमें ना कर्म, अपनी अपनी कर्म को करो बस, फल की चिंता मत करो। अब पढ़ेंगे आत्मारम्भ, क्योंकि एक शब्द उन्होंने मेंशन किया था, फिक्स इंटेलिजेंस एंड ट्रांस। अब अर्जुन को मन में प्रश्न आ गया, अच्छा जिसकी बुद्धि फिक्स है वो बंदा पहचाने ही कैसे, उसको दिखता कैसे। हम भी सोचो, मैं यहां बोलूंगा कि कुछ डिवोटीज हैं जो आत्माराम है, जिसकी बुद्धि फिक्स है, वो दिखते कैसे हैं, क्या खाते हैं, क्या करते हैं, कैसे चलते हैं, मैं उसको पहचानूंगा कैसे, मन में होगा ना। से कोई बोलेगा मैं, हमारे बीच में शुद्ध भक्त है, तो आप बोलोगे कैसे दिखता है, कैसे पहचानेंगे, क्या सिम्टम्स है, तो वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं आत्माराम, स्थित प्रज्ञा, ठीक है। तो ये चार क्वेश्चन पूछ रहे हैं अर्जुन, इट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हम इसको पढ़ने जा रहे हैं। पहला, का भाषा, व्हाट आर हिज जनरल सिम्टम्स। भाषा का मतलब, हम लोग भाषा बोलते हैं लेकिन भाषा से पता चल रहा था व्यक्ति कैसा है। भाषा का मतलब लैंग्वेज, लैंग्वेज बॉडी लैंग्वेज भी होता है, ठीक है, उसको जो मुंह से बोलने वाला वर्ड लैंग्वेज भी होता है, ठीक है, और उसकी थॉट लैंग्वेज भी होता है, कैसी सोच है। तो लैंग्वेज का मतलब होता है जिससे वह अपने आप को एक्सप्रेस करता है, तो उसको बोल सकते हैं सिम्टम्स। व्हाट आर हिज जनरल सिम्टम्स, क्वेश्चन तुम किम प्रभास है, हाउ डज ही स्पीक, बोलता कैसे है, ठीक है, और किम आसिता, कैसे बैठता है, वर्जित किम, और चलता कैसे है। लेकिन ये सब क्वेश्चन जो है ना, ये बड़े, ये अर्जुन तो साधारण व्यक्ति नहीं है, हमसे कोई ऐसे क्वेश्चन पूछे, क्या भाषा, वो तेलुगु बोलता है, और क्या बोलता है, संस्कृत बोलता है। अर्जुन और कृष्ण जो है महान लोग हैं, तो उनका लैंग्वेज का स्टाइल अलग है, तो जो प्रश्न पूछते हैं समझ जाता है अर्जुन क्या प्रश्न पूछ रहा है। तो प्रभाषित का मतलब, स्पीक का मतलब, रिएक्ट कैसे करता है, जब बुरा समय आता है रिएक्ट कैसे करता है, किसी के रिएक्शन से, रिस्पॉन्ड से पता चलता है कि वो कितना इंटेलिजेंट है, वो कैसा है। जैसे आप यहां से बाहर निकलो, बोले प्रसाद में आज सबको निकलते साथ एक एक डंडा मिलने वाला है सिर पर, ठीक, हर व्यक्ति अलग रिएक्ट करेगा। जैसे कि नींबू को निचोड़ने से क्या निकलता है, नींबू का रस, संतरे को निचोड़ेंगे तो, आम को निचोड़ेंगे तो, और आपको निचोड़ेंगे तो आपका रस, राइट। तो इसलिए बोल रहे हैं कि जब उसको ब्लेम किया जाता है, अफेक्शन दिया जाता है, प्रेम दिया जाता है, हेट्रेड दिया जाता है, तो कैसे बिहेव करता है, इंटरनली एक्सटर्नली दोनों, बाहर से भी और अंदर भी। कई बार हम लोग बाहर से तो अच्छा बनते हैं, तुम बेवकूफ हो यस फिरोजी, अंदर बोलता है कि मौका तो मिले बताएंगे हम कैसे हैं, ऐसे नहीं, वो अंदर से भी शांत रहता है। उसके बारे में बोलते, उसके बारे में बताइए। कि मासित का मतलब बोलते हैं कि वो जैसे बैठे और चलना, जब आप बैठते हैं तो बहुत कम सेंसेस का प्रयोग करते हैं, जब चलते हैं तो बहुत सारी सेंसेस का प्रयोग होता है। जैसे आंख, आप टीवी आप देख रहे हैं, टीवी मूवी कंप्यूटर देख रहे हैं, तो आंख कैसे देख रहे हैं, जब चलते हैं तो बहुत कुछ देखते हैं, तो ऊपर नीचे साइड नीचे,
आंख बहुत एक्टिव रहता है, हाथ एक्टिव रहता है, सेंसेस एक्टिव रहता है, कान एक्टिव रहता है, गाड़ी आ रही है, कुछ आ रहा है, तो बोलते हैं बैठता कैसे, यानी सेंसेस कैसे मेंटेन करता है, जब सेंस ऑब्जेक्ट्स आते हैं, किम व्रजेत किम, चलता कैसे है, सेंसेस का प्रयोग करता कैसे है, सेंसेस का प्रयोग रोकता कैसे है, ये प्रश्न पूछा गया। ठीक, तो ये 255वें श्लोक में पूछा, जनरल सिम्टम्स ऑफ स्फीत प्रज्ञा, पहला क्वेश्चन उसका था कि ही गिव्स अप ऑल मेंटल डिजायर ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन बॉर्न ऑफ मेंटल कॉन्कॉक्शन, दस प्यूरिफाइड इन माइंड वंस माइंड सेटिस्फेक्शन इन सेल्फ अलोन। एक स्टोरी सुनाते हैं छोटा सा, एक राजा रहता है, राजा अपने मंत्रियों को शिक्षा देने के लिए एक एक्टिविटी करता है जिससे पता चलेगा कि लोग कितने प्रकार के होते हैं। तो तीन प्रकार के लोग होते हैं, वो क्या करता है, अपनी अंगूठी को फेंक देता है, उसमें राजा का अंगूठी के ना राज चिन्ह रहता है हमेशा, वो सब पहचानते हैं, तो वो अपनी अंगूठी को फेंक देता है, तो एक व्यक्ति उठाता है, बहुत अंगूठी राजा का, कीमती रेट में उठेगा, जेब में रख के भाग जाता है। ठीक, बोले देखो ये चोर व्यक्ति है, राजा का अंगूठी पहचानते हुए भी अपने कब्जे में कर लिया, बोला कोई देख नहीं रहा ये मेरा है, फिर आगे जाते हैं दूसरा अंगूठी निकाल के फेंकता है, वो भी राजपुत्र चिन्ह रहता है, तो बोलता है वो राजा का है मेरा नहीं है, छोड़ के चले जाता है। बोलता है ये वेगी जो है ये त्यागी है, पहला व्यक्ति भोगी था, फिर तीसरा व्यक्ति क्या करता है और राज मुद्रा को उठाता है, बोलते ये राजा का है तो राजा के पास पहुंचाना चाहिए, जाके बोलता है महाराज से मिलना चाहता हूँ, महाराज बोलते हैं महाराज जी आपकी मुद्रा मुझे मिली, तो बोलते हैं ये व्यक्ति सही है, इसको क्या है ये डिटैच्ड व्यक्ति है, इसको बोलते हैं निष्काम कर्मी, न भोगी है न त्यागी, हो क्या है निष्काम कर्मी। तो सिम्टम्स क्या है एक रियलाइज्ड सोल का, वो हमेशा कैसा रहता है, डिटैच्ड रहता है, वो हमेशा फल की चिंता दिमाग में रहती नहीं किसी कोने में, बिल्कुल बिंदास रहता है। जैसे अब कोरोना काल में सबसे ज्यादा टेंशन में कौन था, डिमोनिटाइज हुआ था, सबसे ज्यादा टेंशन कौन था, जो बहुत ज्यादा अटैच थे, डिटैच थे, बोले चलो अच्छा हुआ घर में बैठेंगे। अभी यहाँ पर जैसे मंदिर में, इस 3 एकड़ के मंदिर में 160 ब्रह्मचारी और कुछ गृहस्थ थे, हमको लग ही नहीं रहता कोरोना अंदर में, इतना बड़ा घूम रहे हैं, खा रहे हैं, खेल रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, प्रसाद पा रहे हैं, और वो एक्टिविटी हम पहले भी करते थे, कोरोना आया तब भी कर रहे हैं। लेकिन जो लोग बहुत अटैच थे, जैसे मूवीज जाना, पार्लर जाना, पार्लर जाने वालों का बड़ा बुरा हालत था, कई माताएं भी भरतवज बनी बन गई थी उस समय तो, हाँ यहाँ से दाढ़ी वो सब आ गया था, ऋषिवर आप कहाँ से आए, बोले मैं ये तेरे घर में रहती हूँ पत्नी हूँ, तीन महीने में तो हो ही जाएगा। अच्छा जो तंबाकू खाते थे बेचारे, वो स्टोर नहीं करते, तंबाकू वाले स्टोर नहीं करते, वो खिड़की से बोलते तो है क्या भैया ऐसी हालत हो गई तुम, स्मोक करने वाले स्टॉप स्टोर नहीं करते, वो मार्केट में ऐसे ही मिलता है, दुकानें बंद, फ्रस्ट्रेशन हो गया था, कुछ लोग का टाइम नहीं करते, इतने बिजी रहते थे भौतिक संसार में, इतने बिजी होने की वजह से क्या करते थे, पांच छह प्रकार की दालों को मिला देते फिर उसको अलग करते रहते पूरे दिन भर, लाल वाली दाल अलग है, एक दो टाइम कट नहीं रहा, और भक्त क्या कर रहे हैं, चौसठ माला, हेयरिंग रीडिंग, टेंशन फ्री, राइट, भक्तों को बहुत अच्छा मौका मिला, ये जो 18 सेशन वाला उसी समय डिजाइन किया गया है, ऑनलाइन चलता था दयानंद, चलते रहो टेंशन फ्री, और सारे भक्त खुश हो रहे हैं, कई लोग इतने कोर्सेस किए उस समय, डिवोटीज पूछो मत, सबसे ज्यादा चैनल्स निकले उस समय ऑनलाइन, भगवद गीता सब कोर्सेस कराए, और खूब ये जो हमारा माई आश्रय चैनल उसी समय लगभग 10 लाख सब्सक्राइबर उसी समय हो गया था, तो भक्तों ने उसको तो यूज किया पॉजिटिव प्रीचिंग में यूज किया, चलो आप हम लोग ज्यादा ज्यादा दिल्ली तक कांटेक्ट रहते थे पूरे वर्ल्ड में, पहले हम लोग लेक्चर दे देते मंदिर के ब्रह्मचारी लेक्चर दे देते हमारे मंदिर में या छोटे छोटे सेंटर्स में, अब कोई अमेरिका दे रहा है, कोई लॉस एंजलिस दे रहा है, सब ऑनलाइन हो गए, तो हमने बेटर यूज किया इसका। तो व्यक्ति क्या करता है, डिटैच रहता है और आराम से बिल्कुल आनंद में रहता है। ठीक, और उसका फायदा क्या होता है, वो जब आत्म केंद्रित रहता है, भगवान पर पूरी केंद्रित रहता है, तो उसके फायदे क्या होते हैं, भगवान से कनेक्टेड हो जाता है, तो भगवान क्या करते हैं, भगवान का गुण देखिए, भगवान से जुड़ने से
भगवान हमेशा अपने भक्तों को बेनिफिट देते हैं एक्स्ट्रा, है ना। भगवान बोले समाम सर्वभूतेषु न दूषित न प्रिय। मैं वैसे किसी के लिए प्रिय हूँ ना द्वेष करता हूँ, पर भक्त के लिए मैं पता नहीं क्या कर जाता हूँ। जैसे आप जनरली डील करते हो दुकान में ऑफिस में, लेकिन कोई एक स्पेशल व्यक्ति रहता है उसको ना नहीं बोल पाते हो, क्योंकि आपको प्रिय है, आपको अच्छी फ्रेंडशिप है, राइट। सिमिलरली भगवान बोलते हैं मैं स्पेशल बेनिफिट देता हूँ, ठीक है, क्योंकि भगवान को सारे फ्रूट्स को ऑफर करता है, भगवान स्पेशल फेवर करते हैं उसको। और भगवान ऐसे सुरक्षा करते हैं जैसे माता पिता करते हैं। माता पिता ना अपना काम भी करते रहते हैं, छोटा बच्चा रहता है जो रेंगता है, बच्चा घुटनों के बल चलता है, उसको ध्यान उसी तरफ रहता है, माँ का अपना काम कर रही है माँ, लेकिन बच्चा गिर ना जाए, कहीं चल ना जाए, उसे बार बार टांग खींच के वापस ले आएगी। मैंने एक जगह देखा, वो खाना बदोश होते हैं ना जो ट्रैवल करते रहते हैं, वो रिंग विंग डाल के घूमते रहते हैं ऐसे ऐसे, देखा ना उन्हें सड़कों पर, उसकी मदर क्या करी, अपने बेटे को इतना गड्ढा खोद के इतना गाड़ दी, और सामने में बॉल सक दी खेलने के लिए, खेल रहा है। तो मैंने पूछा क्या कर रहे, बोलते भागता रहता काम नहीं करने दे रहे। बोला ये कौन सा तरीका अपनाया आपने, यहाँ गाड़ दीजिए बिल्कुल, बोला कि बाहर निकालो। तो माँ बहुत ज्यादा केयर करती बच्चे का, एक एक चीज देखिए, रात को उस सुसु किया कि नहीं किया छू के देखेगी, है ना, कितना केयर करती। अगर उसे सुसु कर दिया है तो उसको सूखी जगह में रख देगी और गीले जगह खुश हो जाएगी। भगवान ऐसे ही करते हैं, भक्तों को कुछ भी कष्ट नहीं होना देना चाहते। बोलिए मेरे पर आश्रित हो गया, जैसे बच्चा आश्रित होता है, तो मैं इसका किसे इसका बुरा होने दूंगा। भगवान स्पेशल केयर करते हैं। अर्जुन को देखो, अर्जुन का सारथी बनकर हर एक चीज को उन्होंने केयर किया। और अर्जुन ने अर्जुन को कहा जब युद्ध समाप्त हुआ, बोले तुम उतर जाओ। बोले नहीं, आप उतर ही, आप बड़े हैं। बोले कुछ बड़े छोटे नहीं होते बेटा, उतर जाओ, मेरी बात मान लो। तो जब उतरे अर्जुन उतरे, फिर कृष्ण जैसे उतरे थे पूरा बर्स्ट हो गया, ब्लास्ट हो गया परमाणु बम के जैसा रथ। बोले ये क्या हुआ, बोले इतने दिव्यास्त्र इसमें गड़े हैं ना, सबको मैं रोक कर रखा था। अर्जुन सोच रहा है मैंने सब कुछ किया। भगवान बोले तुम्हें याद है 49वां श्लोक बताया था, कर्मण्येव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, और सब मैं कर रहा था, दुख सुख का फल भी मैं ले रहा था। तो इस प्रकार से भगवान हमें स्पेशल केयर करते हैं। बेनिफिट्स ऑफ कनेक्टिंग ऑल अवर एक्टिविटीज विद लॉर्ड सर्विस क्या होगा, प्योर भक्ति क्या करती है, प्रेम जागृत करती है भगवान के प्रति, राइट। और जब आप ऐसी स्थिति में आ जाती हो तो क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, लॉर्ड कृष्ण एक्सप्लेन दैट बाई एक्टिंग इन दिस वे वन विल फ्री फ्रॉम बॉन्डेज ऑफ वर्क, इट्स रिजल्ट मोक्ष कर्म बंधन है, कर्म के बंधन से पूरी तरह मुक्त हो जाते हैं। और क्या होगा, मुक्ति मिलती है और वापस भगवान के पास आ जाते हैं, माम उपाशिषी, भगवान के पास जाओ टेंशन फ्री, कोई दिक्कत ही नहीं है उसके बाद। जैसे प्रहलाद महाराज, देखिए प्रहलाद महाराज को ऊपर से फेंक दिया पहाड़ों से, प्रहलाद महाराज को कोई टेंशन था, कोई टेंशन नहीं, नीचे भगवान उसको ऐसे गोदी में से ऐसे लग रहा है वो जेट एयरवेज से कहीं ले जा रहे हैं, टेंशन फ्री जा रहे हैं। उनको जहर पिलाया गया, जहर कैसे पिए, जैसे सूप पी रहे, सांप काट रहे थे ना उसको, सांप दंश कर रहे थे, सांप काट रहा दर्द भी होता है, सांप काट रहे थे गुदगुदी हो रही थी, प्रहलाद महाराज त्रिशूल गड़ा रहे थे गुदगुदी हो रही, नहीं ऐसे मत करो प्लीज। और गरम गरम कढ़ाई में जब डाल दिया गया प्रहलाद महाराज को, तो उनको लग रहा है गर्म पानी से नहला रहा है इसको, अच्छा लग रहा है कोजी कोजी। तो उन्होंने ये सब डिजायर नहीं किया, भगवान पर निर्भर थे, टेंशन फ्री। जब भगवान पर निर्भर होगा ना तो भगवान को चिंता हो जाती है कि मेरे पर निर्भर है, अगर मैं ध्यान नहीं दूंगा कौन ध्यान देगा। जब आप खुद करने लगते हो भगवान बोलते चलो अपना ध्यान तो रख ही रहा है, चलो छोड़ो, ये अंतर है। जैसे बच्चा जितना छोटा रहता है उतना माँ उसका ध्यान रखती है, बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो माँ गोद से उतार देती है। तो ज्यादा बड़ा मत बनिए, छोटा रहिए, निर्भर रहिए, जितना निर्भर रहेंगे उतना अच्छा। कृष्णा स्पेशल फेवर टू डिवोटीज, द लॉर्ड एक्सप्लेन दैट ही इज नॉट पार्शियल और हेटफुल फॉर एनी वन, बट ही नेचुरली रेसिप्रोकेट विद दोज हु आर फेवरेबली डिस्पोज टुवर्ड्स हिम। जैसे रेन, रेन वाटर जो होता है वो कहीं सब जगह गिरता है, कोई भेदभाव नहीं करता, है ना, भगवान कोई भेदभाव नहीं करते, लेकिन स्पेशली पानी का लाभ किसको मिलता है, जहाँ पौधे होते हैं, जहाँ बीज होता है वो उगना चाहते हैं, इसलिए उन पर उसका विशेष लाभ होता है। समुद्र में क्या लाभ होगा, समुद्र
वो उन लोग कोई लाभ नहीं होगा पानी पीने का। तो जो भगवान की तरफ निर्भर होता है, भगवान स्पेशल केयर करते हैं। जैसे देवी देवताओं के पास जाओगे ना, 10 रुपए का नोट लेके जैसे दुकानदार के पास जाते हैं, बोलेंगे सिगरेट चाहिए, दुकानदार सिगरेट दे देगा, लेकिन पिताजी बैठेंगे वहां पर दुकान में, बोलेंगे कि पापा 10 रुपए का सिगरेट चाहिए, तो हम मारेंगे ना, सिगरेट मोर बना देंगे मार मार के, राइट। सिगरेट पिएगा तू, मेरा बेटा सिगरेट पिएगा, जबकि दुकानदार है 100 का सिगरेट दे चुके होंगे शायद, अपने बेटे को नहीं देंगे। तो हमें भगवान का बेटा बनना है, भगवान का पुत्र जैसे एक्ट करना है, भगवान से संबंध बनाना है, तब भगवान केयर करना शुरू करते। भगवान से जब ऐसा रिलेशन रहता है ना कि जज जैसा चले, ये अच्छा कर्म करेंगे अच्छा देना, बुरा करेंगे तो बुरा, बोले ठीक है तब तो मैं जज जैसा काम करूंगा, तुम बुरा करोगे तो बुरा दूंगा। जब बच्चे से गलती हो जाती है तो माँ बाप सजा देते हैं इतना ही जितना वो सुधरे, है ना। जैसे अपने बच्चे को माँ कैसे मारती है, इतना ही मारती है कि सुधरे, ऐसा नहीं मारे कि हाथ पैर तोड़ दिया मार, माँ बहुत एक्सपर्ट होती है मारने के लिए, नहीं पीठ में मारेगी, टांगों मारेगी, चेहरे पे कभी नहीं मारती, उनके वेपन्स भी बड़े खतरनाक होते हैं, झाड़ू चप्पल कपड़ा धोने वाला लकड़ी नहीं, और हाथ से मारेगी अगर चूड़ी टूट गया, चूड़ी के चक्कर में एक और पड़ता है, चूड़ी टूट गया है ना। लेकिन क्या होता, वो बड़ा ही स्टाइलिश मारती है कि उसको दर्द होगा डर होगा पर उसको कुछ नुकसान नहीं। भगवान ऐसे ही भक्तों को भी उसकी गलती सुधारने के लिए थोड़ा बहुत कष्ट देंगे, इतना ही देंगे उसे सुधार हो जाए, वो भक्ति नहीं छोड़े। तो भगवान स्पेशल केयर करते हैं। कृष्णास के जैसे ये यहाँ आप एग्जाम्पल देख रहे हैं, बिल्व मंगल ठाकुर जो है वो अंधे हो गए थे, अंधे कैसे हो गए थे, उनका बड़ा आसक्ति था, पुष्पुरी में पूरा नहीं बताऊंगा, बहुत आसक्त थे, कामुक थे। तो एक वैश्य के पास जाते थे अपने पिताजी को जलते हुए शरीर को छोड़कर, वैश्य के पास गए, वैश्य घर दरवाजा बंद था, वो जिस नदी से तैरते हुए गए थे वो लाश को चढ़कर उस पर तैरते हुए गए थे, पूरा शरीर बदबू आ रहा था, कोई नाविक नाविक जाने के लिए तैयार नहीं था, तो लाश चलती हुई, उस जमाने में लाश को फेंक देते थे समुद्र नदी में, उस लाश के ऊपर तैर तैर के निकल गए, सारा बदबू आ गया, दरवाजा खटखटाया, तेज बारिश थी, वैश्य ने दरवाजा नहीं खोला, तो सांप को रस्सी समझ के चढ़ गए उसको पकड़ के, बेचारा सांप की क्या हालत होगी सोचो, पकड़ के चढ़ गए ऊपर, दरवाजा खटखटाया, बालकनी से जब अंदर गए तो चिंतामणि नाम की वैश्या बोलती, तुम ऐसे यहाँ कैसे आ गई थी तेज बारिश में, बोलती मैं तुम्हारे प्रेम के कारण आया हूँ। तो पूरी स्टोरी बताया कि मैं लाश को लाश से तैर कर आया, सांप को पकड़ा, पिताजी की जलती हुई चिता को छोड़ कर आया हूँ, तो बोलते इतना तुम कृष्ण के लिए कहते हैं तो तुमको कृष्ण मिल जाते, उसको धक्का लगता है, हाँ तो वहीं से वृंदावन चले जाते हैं। वृंदावन जाते मन में आसक्ति रहती है तो एक एक भजन भी करना शुरू करते, माला अलग कर देते, पर एक मन में कहीं अभी भी वो है, मैंने बताया था ना भगवान चाहते हैं उसके अंदर से वो भी निकालना। तो एक सुंदर ब्राह्मणी के पीछा करते करते जाते हैं, ब्राह्मण डरी रहती है, घर में घुसती है, दरवाजे बंद कर देती है, बाहर से खटखटाते हैं, पुरुष खोलता है, बोले एक ब्राह्मण स्त्री यहाँ गई थी, बोले हाँ हाँ वैष्णव जी आइए, ब्रज की बात है, वृंदावन बैठाते हैं, बोलते हैं बताइए क्या सेवा करें, जलपान वन कराते हैं, बोले एक स्त्री आई थी मैं उसका आलिंगन करना चाहता हूँ, बोले हाँ मेरी पत्नी है पर आप हमारे गेस्ट हैं इसलिए अतिथि की इच्छा पूरी करूंगा, पत्नी को जब बोले तैयार हो, एक वैष्णव आया है उनका आलिंगन करना चाहते, तो कुछ नहीं बोलना, उनको सपोर्ट करना। तो ये उसको हृदय परिवर्तन, मैं कैसा व्यक्ति हूँ, इतने सुंदर इतने अच्छे सुसंस्कृत ब्राह्मण, उनके साथ मैं क्या बिहेव कर रहा हूँ। तो बेचारी सज धज के आती है ब्राह्मणी, बोलते हैं कि माता अपने हेयर पिन देंगे, हेयर पिन देते अपने दोनों आंखें फोड़ देते, बोलते ये आंखें हैं जिसकी वजह से मैं आसक्त हो रहा हूँ, ऐसी महान स्त्री ऐसी मातुल्य जिसको मैं चरण पकड़ना चाहिए, मैं क्या करूँ, अपनी आंख फोड़ लेते। वो बिल्व मंगल ठाकुर अंधे हो जाते हैं, अंधे हो जाते हैं, धीरे धीरे उनका प्रेम इतना बढ़ जाता है, सब जगह कृष्ण दिखते थे, कृष्ण स्वयं वृंदावन में उनके साथ खेलने आते थे, उनसे बातें करते थे। तो एक दिन उनके हाथ पकड़ के चलते खेलते वेलते एक दिन हाथ छुड़ा के भागने लगते हैं, तो बिल्व मंगल ठाकुर पता क्या लिखते हैं कृष्ण करणामृत में, ग्रंथ में कृष्ण करणामृत ग्रंथ लिखा है उन्होंने, वो बोलते हैं कि हाथ छुड़ा के चल रहा ठाकुर जी, मेरे हृदय में जो पिंजरे में मैं तुम्हें रखा हूँ वहां से कैसे भागोगे, ये प्रेम होता है, राइट। तो जब भगवान का स्पेशल फेवर होगा ना, आपकी लाइफ एकदम चेंज हो जाएगी, एकदम चेंज हो जाएगी, हर सिचुएशन को फाइट करने के लिए हिम्मत आ जाएगी। वही अर्जुन 45 मिनट के अंदर क्या जोश था,
करिष्ये वचनम, तब जो बताओ करने में तैयार है। एक एक व्यक्ति को हजारों हजारों तीर मारूंगा कृष्ण, चिंता मत करो, बताओ किसको मारना है। ये होता कॉन्फिडेंट, भगवान का फेवर होने पर होता है, राइट। और कृष्णास कंपैशनेट ग्लैंस अपॉन हिज डिवोटीज, स्पेशल कृपा होती है कि जब देखते हैं कि जब कोई भक्त, अब पढ़ेंगे 9वें अध्याय के 30वें श्लोक में 31वें श्लोक में, अपि चेत् शूद्राचारो भजते माम अनन्य भाव साधुरेव सम्मन्तव्य सम्यक व्यवस्थित सह। तो भगवान बोलते हैं कोई व्यक्ति भगवान की भक्ति कर रहा है और कभी कभी कुछ गलती करते हुए दिखता भी है, तो भगवान बोलते हैं लेकिन अगर वही अगर भक्ति कर रहा है, भक्ति में सुव्यवस्थित है, सम्यक व्यवस्थित हिस्सा, तो उसको साधु मानो। अर्जुन बोल रहे हैं ऐसे कैसे मान लें, सुदुराचार दुराचार काम कर रहा है और मान लें चैंटिंग हियरिंग गेटिंग कंटिन्यू कर, इसका मतलब मैं साधु मान लूं। भगवान बोलते हैं यस, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा सांसच्छा निगच्छति, क्या जल्दी ही उसको क्या मिलने वाला है, महात्मा बनने वाला है। क्योंकि देखिए आदत है, आदत मत कोई गड़बड़ करता है ना, आदत सुधर जाएगी अधर्म, लेकिन कृष्ण कॉन्शियस चेतना लाना बहुत मुश्किल है, वो रेयरेस्ट लोग के पास आता है। भगवान को सरेंडर करने वाले लाखों करोड़ों भी नहीं है। मनुष्यनाम सहस्रेशु कश्चित अतिथि सिद्ध है, हजारों अरबों खरबों में कोई व्यक्ति भगवान की भक्ति कर रहा है। अब भक्ति करने आया है तो उसकी पुरानी कोई आदत होगी, चोर चोरी से जाए पर हेरा फेरी से न जाए, थोड़ा बहुत गड़बड़ करेगा, चलो जाइए धीरे 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 आदत सुधर जाएगा, पर सरेंडर लाना जन्म जन्मांतर में मुश्किल है। तो कभी कभी आप मंदिर आते हो, किसी डिवोटी को, किसी ब्रह्मचारी को, किसी गृहस्थ को, किसी माता जी को, कभी आप देखते हो ना सर कि अरे देखो कैसे बिहेव कर रहे हैं, ऐसा थोड़ी करना चाहिए, कोई तरीका है, डिवोटी लोग ऐसे करते हैं क्या, तो क्या सोचना चाहिए, ये एक टेम्पल है जो स्पिरिचुअल हॉस्पिटल है, यहाँ हम सब क्या करने आए, इलाज कराने। हॉस्पिटल में सबसे ज्यादा क्या मिलते हैं, मरीज रोगी, ये डॉक्टर मिलेंगे आप, डॉक्टर एक दो लोग मिलेंगे, और सारा डिपार्टमेंट इमरजेंसी डिपार्टमेंट है, सब स्ट्रेचर में लेटे हुए, कोई पुराना बीमार है, कोई नया बीमार है, कोई पूरा ठीक, आदत ठीक हो गया तो एक्सपीरियंस, कई बार 30-40 साल पुराना मरीज जो रहता है वो थोड़ा ऑलमोस्ट डॉक्टर बन जाता है, ये करो वो मत खाओ, ये मत खाओ, सारा बता देता है, ठीक। तो ऐसे समय में क्या सोचना चाहिए, सब इलाज कराने तो आए हैं और सही मार्ग पर हॉस्पिटल में है, इसलिए ना क्षमा कर दो, मैं भी तो इलाज कराने आया हूँ। एक मरीज दूसरे मरीज को देख कर चिढ़ता है, हाय हाय इसका हाथ टूट गया, बोले तुम्हारा तो सिर फूटा है, हाँ तो क्या हुआ तुम्हारा हाथ टूट गया, छी छी, ऐसे नहीं करता है, बोलता है वो तुम्हें भी हाथ टूट गया है, मेरा तो सिर में चोटा है, बोले कोई बात नहीं हम मिल के इलाज कराएंगे। हम सब बीमार हैं और यहाँ पर आए हैं इलाज करने, यही भगवान बोल रहे हैं। जब भगवान बोल रहे हैं उसको साधु मानो, हम लोग साधु नहीं मानते, बताओ हम भगवान से बड़े हो गए, हम क्यों माने साधु, हम देखें उसको गड़बड़ किया उसने, हम क्षमा नहीं कर सकते, गुरु जी क्षमा कर दिए, प्रभुपाद जी क्षमा कर दीजिए, भगवान क्षमा कर रहे हैं, आप कौन होते हैं? नहीं, पीएचडी वाला और रिसर्च वाला, वो जो 12th की कॉपी को चेक कर रहा है और उसको पास कर दिया, पहली क्लास वाला बोला हम नहीं मानते, उसको ऐसे पास कर दिया, खुद की पढ़ाई कर ले बेटा, राइट। तो भगवान कंपैशन है, इवन जिसका थोड़ा बहुत आदतन फॉल्ट डाउन होता है भगवान उसको भी सेव करते हैं। ओके, भगवान की भक्ति में सब कुछ अच्छा अच्छा है। तो मैं आपसे प्रश्न पूछूंगा, आप लोग बताना, ठीक है, तैयार है? ओके, ये क्या है, बनाना, जिंदगी है बनाना, कैसा लगता है खाने में, मीठा लगता है, खट्टा लगता है, ये कैसा लगता है, ये कैसा लगता है, माय गॉड ये कैसा लगता है, और ये, लेकिन सब तो अलग है, केले के स्वाद कैसे है, मीठा, गुलाब जामुन का मीठा, रसगुल्ला का मीठा, एप्पल का मीठा, भैया उसका कुछ वजूद है, एप्पल का, एप्पल का स्वाद पता कैसे होता है, एप्पल जैसे, और कोई इलाज नहीं इसका, क्योंकि जब तक आप एप्पल नहीं खाएंगे तब तक नहीं बता पाएंगे एप्पल का स्वाद। इसलिए भक्ति जो करता है, जो भक्ति को एग्जीक्यूट करता है, उसी को पता चलता भक्ति क्या है, उसको आनंद आ रहा है, और कोई तरीका नहीं है। बचपन में एक ऐड आता था आपका, मेलोडी इतनी कैसे चॉकलेटी, याद है क्या बोलते थे, मेलोडी खाओ खुद जान जाओ, राइट।
ऐसी भक्ति करो खुद जान जाओ। रूपा जी बोलते किसी को सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं कि हम हैप्पी है। अब चैंटिंग हियरिंग रीडिंग करते हैप्पी फील होता है। किसी को माला करके सुबह देखना 16 माला करके जा रहा है तब से, अरे बोल क्या हुआ, बोले माला हो गई। ऐसी गुजरत भक्तों के जीवन में खुशी क्या है? एक दोना प्रसाद, कोई व्यक्ति गार्लैंड बना दे भगवान जी का, दर्शन हो गया, मुझा आ गया। किसी को BMW दे दिया आपने, करोड़ों की प्रॉपर्टी दी, नहीं, ही इज हैप्पी। केवल आनंद कंद। मैं फिर से पूछता हूँ, कीर्तन कितने लोग अच्छा लगता है आप में से? प्रसाद हाथ नीचे नहीं कर रहे लोग, दो दो हाथ उठा रहे प्रसाद के। गोवर्धन के परिक्रमा, वृंदावन, लेक्चर, डीटीस के दर्शन, आरती, मतलब क्या खराब क्या है? एवरीथिंग इज परफेक्ट, केवल आनंद कंद। लेकिन समस्या क्या है? इसका एडवर्टाइजमेंट कम हुआ। रूपा जी आने पहले, चैतन्य महाप्रभु आने के पहले संसार में एडवर्टाइजमेंट नहीं हुआ, लोग लेते नहीं थे। लोग लगता है विश्वास वाह करते रहो, चिंता अच्छी हो जाएगी। पत्नी पूछती है कि पति से, तुमने कुछ शादी के दिन कुछ सुना होना, इतनी सारे नियम नियम पत्नी के लिए बोला गया था करते, सुना? बोले हाँ सुना। क्या? बोले स्वाहा, यही सुना था और कुछ नहीं सुना था। एक्चुअली यही लोगों को पता रहता है, कुछ कुछ बोलता है स्वाहा, वो अपने स्वाहा वही बोलता रहता बेचारा। एनीवे, कृष्णा टेक्स पर्सनल इंटरेस्ट इन हिज डिवोटीज लाइफ। अब देखिए यहाँ पर एक स्टोरी आती है गजेंद्र मोक्ष की। गजेंद्र जो थे बड़ा हाथी था, बताते हैं उस द्वीप में जब ये हाथी चलते थे धूम धूम से, डायनासोर के मूवी में दिखाता है ना आवाज आती, ऐसा आवाज आता था, भागवतम का वर्णन किया गया। तो इतना शक्तिशाली हाथी जो थे गजेंद्र जो थे, वो जब पानी में गए तो पानी में तो मगरमच्छ, मतलब पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर मत करो, वो भी इतना बड़ा घड़ियाल, इतना बड़ा मगरमच्छ था, पैर को पकड़ लिया, छोड़ नहीं रहे थे। 1000 साल तक युद्ध चला, और युद्ध चलते रहेगा तो पानी वाला स्ट्रांग होता रहता है, जो पानी में नहीं रहने वाला जीव है पानी में रह के क्या हो जाता है, कमजोर, खून भी निकल रहा है, कमजोर भी हो गए। तो क्या हुआ, उनको याद आया पिछले पिछले जन्म में राधा इंद्रदुम थे और ये मगरमच्छ एक गंधर्व थे, हुहु नाम के गंधर्व, दो भाई थे हाहा और हु, पता नहीं कैसा नाम उसका, तो हु थे। तो भगवान को उन्होंने याद किया पिछले जन्म की प्रेयर से, इसलिए श्लोक याद करना चाहिए भगवदगीता का, पता भगवदगीता का श्लोक याद करोगे ना वो अगले जन्म में याद आ जाएगा, किसी भी योनि में रहेगा। तो गजेंद्र की योनि में रहकर उनको भागवत के श्लोक याद आ गए, तो उन्हें एक फूल उठाया सूंड से, बोले सूंड तो खाली यूज करो, एक कमल उठाया ऑफर किया कृष्ण को, और क्या कर दिया उन्होंने, मंत्र बोले भगवान वायु मार्ग से आ गए देखिए बचाने के लिए, और उनको नहीं बचाया दोनों को बचाया, मगरमच्छ को भी मुक्ति दी और गजेंद्र भैया को दिया। राइट, देखिए गजेंद्र के चक्कर में भूहू को भी मुक्ति मिल गई। ये है भक्ति करने का, भगवान पर्सनली इंटरेस्ट लेते हैं, किसी को भेजा नहीं, खुद आए, अपनी गाड़ी निकाली, गरुड़ जी को तैयार किया, चलो चले गए। राइट, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या था उनका कि सिम्टम्स क्या है, तो प्योर डिवोटीज के सिम्टम्स क्या है, भगवान पूरी तरह आश्रित रहता है, भगवान उस पर कृपा करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन का, हाउ टू स्पीक, बोलता कैसे, हाउ टू स्पीक का मतलब होता है वो कैसे रिएक्ट करता है ना विपरीत समय में। How does his intelligence and words respond to affection, anger and neutrality? Quick poise in happiness and distress. वो बिल्कुल शांत रहता है, ऐसा नहीं खुशी हो गम खूब पिएंगे रम, ये नहीं, बिल्कुल खुशी हुई तब कीर्तन, घर में कोई देहांत हो गया तो कीर्तन, बच्चे का जन्म हुआ तो कीर्तन, बोले प्रभु जी आज हमारे कीर्तन है, बोले क्या हुआ, सब कुछ टूट गया है प्रभु जी, कीर्तन ही करा दो हमारे घर हो, भक्त कीर्तन ही करता कभी, कुछ भी होगा तो कीर्तन, फ्री फ्रॉम अटैचमेंट फियर एंड एंगर, है ना, आसक्ति भीत राग क्रोध सबसे मुक्त रहता है, क्रोध नहीं आता, क्रोध आता है तो किसके लिए आता है, अपने पर आता कि मैं इतना सब कुछ भगवान ने दिया है फिर भी मैं भक्ति क्यों नहीं कर रहा हूँ, भगवान ने प्रभुपाद जी को भेजा, गीता दिया, मंदिर दिए, इस्कॉन टेम्पल्स, एवरीथिंग इज हियर, तो मैं क्यों भक्ति नहीं कर रहा हूं, तो अपने पर क्रोध करता है, मैं क्यों नहीं उन्नति कर रहा हूं, और अच्छे और बुरे दोनों के लिए क्या करता है, अनफेक्टर रहता है और पूरी तरह ज्ञान में फिक्स रहता है, तो वो हमेशा भगवान में लीन रहता है, बुरे समय में भी बुरा बर्ताव नहीं करता। मैंने बताया ना आपके यहां से गेट से जाओ, आपसे मिस भी होगा तब आपको पता चलेगा भक्ति में कितना उन्नत है या
कितने स्टेबल है। विपरीत स्थिति में पता चलता है आपके गुणों का प्रभाव। ईमानदार व्यक्ति का ईमानदारी पता चलता है जब बेईमान होने का मौका मिलता है। ठीक है, रोड पर जाएंगे 1000 का नोट मिलेगा, रोड पर जाएंगे 500 का नोट मिलेगा, उठा के भगवान के सेवन लगा देंगे, 500 की गड्डी मिल रहा है तो डोल जाएगा मन। 10-10 किलोमीटर तक कोई नहीं दिखेगा ना, 500 की 400 की 4-4 गड्डी मिल जाएगी, तब क्या बोलेंगे, तो भगवान ने मेरे लिए दिया है, ऐसी भावना आने लगी। बेईमान होने का मौका मिलने पर भी ईमानदार रहते हो तब आप शास्त्रों को अपने जीवन में प्रैक्टिस कर रहे हो, राइट। यही भगवान बता रहे हैं आप। और इंपॉर्टेंस ऑफ द वर्ड सिम्टम, यहाँ जो सिम्टम के विषय में बताया कि हमने सिम्टम डिस्कस किया था कि जैसे रिच मैन डिजीज मैन लर्नड मैन, इस सबके से पता चल जाता है कौन व्यक्ति रिच मैन, कैसे पता चलता है, उसके हाव भाव को देख पता चल जाता है, पैसे वैसे को देखकर, गाड़ी को देख पता चलता है रिच मैन है। बीमार व्यक्ति खास करना समझ आए भैया बीमार आदमी है, दूर रहो उससे। लर्नर स्कॉलर व्यक्ति का पता चलता है जब उसको कुछ बोलने मिलता है। किसी व्यक्ति को पता करना कितने बुद्धिमान है, माइक पकड़ा दो बोलो 10 मिनट बोलो पता चल जाएगा, मूर्ख व्यक्ति को बोलने से। और जो बेईमान व्यक्ति को पोस्ट दे दो, पोस्ट देने से वो जितनी हालत खराब कर देगा सबकी और एकदम शासन करेगा दुशासन के समान, तो समझ लो कि वे एक बेईमान व्यक्ति हो। तो पद देने से नियत पता चलता है, पैसा पैसा आने से पता चलता है दया कितनी है, दयावान दानी कितना है, और बुद्धिमानी व्यक्ति का पता चलता है बोलने देने से कितना ज्ञान है। तो यहाँ बता रहे हैं कि किसी व्यक्ति के बोलने से पता चल जाता है कितना महान है, और दूसरा दृश्य से संबंधित बात करता है तो सबसे ज्यादा डिटैच व्यक्ति। ओके, और अपनी वो इंद्रियों को कैसे कंट्रोल करता है, जैसे कि कछुआ होता है टॉर्टोइस, कैसे करता हो कछुआ को जब हमला होता है तो अपने अंगों को क्या करता है, वो अंदर ले आता है और शेल के अंदर चला जाता है तो खतरा से बच जाता है। ऐसे ही जब कोई व्यक्ति जाता है ऐसे स्थान में जहाँ पर भक्ति से विपरीत स्थिति है तो अपने आप को छुपाता, कोशिश करता है बुरी स्थिति में अपने आप को बचाता है। जैसे शादी भी हम लोग जाते हैं, मुझे कई लोग पूछते हैं जी शादी भी हमें जाए तो खाना ही पड़ता है, किसने बोला खाना पड़ता है, आप बताओ किसने बोला आपको खाना पड़ता है, कोई देखता है आपको खा रहे हो कि नहीं खा रहे हो, कोई नहीं देखता, आपसे पूछता खाना खाया बोला हाँ खाया, अब घर से खा के जाओ, आपको इतना ही पूछे ना खाया बोला हाँ खा के जाए। अब शादी ब्याह में तीन जब से कार्ड मिला तब से खाना ही छोड़ देते हैं लोग, क्यों शादी में जाना है, और वहां जाके खूब दबा के खाते हैं, दूसरे दिन भले बीमार हो जाए डाइजीन लेना पड़े कुछ भी लेना पड़े खाएंगे जो। शादी का उद्देश्य तो उसने लिखा था कि हमारी शादी में आना और आशीर्वाद देकर जाना, लेकिन हमारा हम लोग बोलते हैं ब्रो जी हम क्या करें हमें खाना पड़ता है, खाना नहीं पड़ता, आपके खाने की बहुत तमन्ना थी, आपने बहुत सारे प्लान बना रखे इसलिए खाने जाते हो, जो नहीं खाना वो नहीं खाता है। जैसे मान लीजिए 100 आइटम बनाए, आपको डॉक्टर ने मना किया है ज्यादा मत खाना, तो ज्यादा क्यों खाओगे, आप वही खाओ जो आपके लिए स्वास्थ्य बढ़ते थे, लेकिन गुरु जी बन गया तो क्या करें खाना पड़ेगा, तो ऐसा व्यक्ति बीमार होता है। लेकिन जो बुद्धिमान व्यक्ति कछुए के समान अपने आप को रोक लेता है, नहीं मेरे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, सुटेबल नहीं, तो मुझे वही लेना जो मेरे लिए ठीक है, राइट। और जैसे उदाहरण दिया जा रहा है, देखिए महाराज हमारे हरिदास ठाकुर इतने महान भक्त थे, बहुत यंग थे, तो यंग थे इतनी सुंदर दिखते थे, इतने आकर्षित थे कि वैश्य जब उनके पास आई वो माला कर रहे हैं अपनी, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम राम, सामने में आके वैश्य बोलती है तुम इतने सुंदर दिखते हो, मैं तुम्हारे साथ संबंध बनाना चाहती बिना पैसे के, कुछ मुझे कुछ प्रलोभन नहीं चाहिए, तुमसे सुंदर दिखते मेरे बैठ जाओ, मैं बिना माला नहीं हुई, मेरी माला कंप्लीट करूँ ना आपकी इच्छा पूरी करूँगा। माला कितना करते थे 192 राउंड, 16 माला करने में 2 घंटे लगते हैं, 64 माला करने में 8 घंटे लगेंगे, 64 × 3 8 × 24 घंटा बेचारे बैठे रहे पूरे टाइम, हरे कृष्ण सुबह हो गया चले गई, फिर दूसरे दिन आए फिर भी माला करते रहे, बोलते मेरी माला होती नहीं पूरी, मेरे 24 घंटे में तो माला होती सोते ही नहीं, तो तीसरे दिन वो भक्त बन गए, भक्त बन गया बोले तुम भी माला करो,
उसी गुफा में बैठा के माला किया, सिर बुड़वा दिया, उसको बोला तुम भी 192 राउंड्स करो, उसको दीक्षा दे दिया और हरिदास ठाकुर की शिष्या बन गई। ये होता सेल्फ कंट्रोल। विश्वामित्र जी के साथ दिया 10,000 साल तक विश्वामित्र जी ने तपस्या की, 10,000 ईयर्स, इतना तो हमारा उम्र ही नहीं है, तपस्या क्या करेंगे। 10 मिनट नहीं सांस रोक सकते, रोकिए सांस को, रोकिए सब लोग सांस खींचिए, घबराइए मत, रोक लीजिए। आप इसको 10,000 साल बाद छोड़ना, अरे पहले छोड़ दिया आपने। आपको पता है 2 मिनट भी आपने रोक लिया ना तो एम्बुलेंस बुलाना पड़ जाएगा और CPR वगैरह देना पड़ेगा। ये प्रभु जी गए, वो किया उन्होंने खींचकर, खींचना सरल होता है, खींचकर रोकना लंबे समय तक रोक सकते हो, छोड़कर मुश्किल होता है। 10,000 तक खींचा, 10,000 साल तक, और मेन क्या आई, एक पायल की चनकार, छन आंख खुला, कौन भैया कौन आ गया जंगल में, हो गई शादी, 10,000 साल जीरो। दूसरी बार क्या किया, सांस खींचा, सांस खींची, सब लोग छोड़ दीजिए अब मत लेना, ये कठिन है। 1,000 साल और किया, दूसरी अवसर आ गई, उस फिर नुकसान हो गया। तो ना भक्ति ऐसी चीज है, भगवान की भक्ति करने में अपने सेंसेस को कंट्रोल करना आसान है। तो माला करते करते ही अपना उसको ही भक्त बना दिया जो परेशान करने आए थे, राइट। तो इस प्रकार से कछुओं को एग्जाम्पल भगवान दे रहे हैं, यदा समाहरते संयम कुरुम अग्नि सर्वशः, यानी जिस प्रकार से अपने आप को रोक लेता है मुसीबत आने पर, ठीक उसी प्रकार भक्त भी अपने आप को स्थित प्रज्ञ सेंस कंट्रोल कैसे बैठता है, बैठता मतलब अपने सेंसेस को कैसे कंट्रोल करता है, और कैसे कृष्ण कृष्ण के कॉन्शियस में कैसे रहेंगे। तो जड़ भरत, जड़ भरत का स्टोरी आपने सुना होगा, जड़ भरत को लेके गए और काली जी के पास उसका ऑफरिंग कर रहे, सोचो गला काटने जा रहे, पता है वो गला से काट, कोई आपका कोई गला आप काटने लगे आप कितना खींचोगे, छटपटाओगे ना, ऐसे लेटे हुए हैं गला यहाँ पर रख रहे हैं, तलवार उठाए तब तक ऐसे ही हो, क्यों पता है, क्यों पता है कि मैं तो आत्मा हूँ, मरूंगा नहीं, इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंट थे। काली जी वो पत्थर जो मूर्ति था उसको तोड़ के बाहर निकली और उन्हीं को मार दिया, सारे जो उनके उपासक थे उन्हीं को मार मार कर खून पी रहे हैं। और जड़ भरत उठे, जड़ भरत देखो ऊपर में, ऊपर में जो मूर्ति उसको तोड़ के निकली काली जी, काली जी मार मार कर उनको काट दी, खून भी पी रहे हैं उनकी जो कृत्याएं हैं साथ में। जड़ भरत का पूरा स्टोरी मिलता है श्रीमद् भागवतम पंचम स्कंद में। भगवान की रक्षा करने के लिए काली जी को इंस्पायर कर दिया। तो जो कृष्ण कॉन्शियस रहता है वो हमेशा एक पॉइंट रहता है, टेंशन फ्री, स्टडी माइंडेड, डिटरमाइंड रहता है पूरा, राइट। ओके, थर्ड क्वेश्चन, हाउ डज ही सिट, कैसे बैठता है। तो अपने इन सेंसेस को कृष्ण की सेवा में लगाते हैं, कृष्ण की सेवा में लगा लोगे ना टेंशन फ्री। हमारा समस्या क्या है, हम कृष्ण की सेवा में लगाते कहीं और लगाते हैं। जैसे कैसे लगाना है, सवे मना कृष्ण पदार विंदयोर, आपको खाना है प्रसादम खाइए, भगवान को भोग लगा खाइए, घूमने जाना है जयपुर जा रहे हैं मंदिर जाइए, वृंदावन जाइए, बरसाना जाइए ना, कुरुक्षेत्र जाइए, मायापुर जाइए, जगन्नाथपुरी जाइए, यहाँ पर दर्शन कीजिए, घूमने की इच्छा पूरी होगी, खाने की इच्छा पूरी होगी, राइट। कोई भी चीज एक्टिविटी करना है वो भगवान से संबंधित कीजिए, अपने आप हम लोग क्या करेंगे, सुरक्षित रहेंगे। मैं ऑलरेडी ये बता दिया था एग्जाम्पल विश्वामित्र जी का, है ना, कि बहुत मुश्किल होता है अपने इंद्रियों को हम लोग कंट्रोल करना चाहे तो कंट्रोल नहीं होता। ओके, कंट्रोल कैसे करता है, एग्जाम्पल बताता हूँ मैं, हायर टेस्ट डेवलप करने से। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसम रसम रसपस्य परम दृष्टवा निवर्तते। जब आपको डॉक्टर मना करता है कि गाजर हलवा नहीं खाना है, आपको मना है, तो आप कैसे क्या करते हो, बोले एक बार ठीक हो जाऊं फिर खाऊंगा, खाने की इच्छा समाप्त नहीं होती। ऐसे ही कोई जबरदस्ती आपको रुकेगा तो खाने की इच्छा समाप्त नहीं होगी, लेकिन जब आप भगवान का प्रसाद खाने लगते हो तो बाहर का खाना बंद हो जाता है, अपने आप इच्छा बंद हो जाती है। यहाँ कई डिवोटीज बैठे हैं, चाय पीते होंगे, आनंद गाली लेते होंगे, स्मोक करते होंगे, ड्रिंक करते होंगे, सब अपने आप छूट गया, सिर्फ भगवान के प्रसाद ग्रहण करते हमारे, राइट है कि नहीं, अपने आप, आपको जोर नहीं मानना पड़ा। इतने शराब छुड़ाने के उपाय निकालते लोग
आप कुछ मत कीजिए, चैंटिंग करवाइए, कृष्ण प्रसाद खिलाइए उसके व्यक्ति को, बोले तुम शराब पियो कोई दिक्कत नहीं हमें, सिर्फ दो चीज करो, वो व्यक्ति का देखना है बहुत ही जल्दी शराब छूट जाएगा, गारंटी है। एक उदाहरण बताता हूँ, ये व्यक्ति मोहन भाई बता रहे थे, वो भागवतम पढ़ता था हाथ से, इस हाथ से शराब पीता था, शराब छूट गई उसकी, भागवतम पढ़ते पढ़ते अब 3 साल हो गया उनका, दीक्षा इस बार हुई इसकी, इतना पावरफुल है। प्रभुपाद से किसी से पूछा, प्रभुपाद कोई व्यक्ति साथ मछली साथ में जप करता रहेगा ये अलाउड है? प्रभुपाद जी बोलते करते रहो मछली छूट जाएगी, पॉसिबल नहीं है क्योंकि भगवान का नाम बहुत शक्तिशाली है। तो यही है, जो हायर टेस्ट मिल रहा था तो लोअर टेस्ट अपने आप चले जाता है, करेले का जूस अपने आप छोड़ दोगे वही फायदा आपको मौसमी का जूस में मिलने लगेगा, तो अपने आप छोड़ दोगे। ठीक, भगवान बोलते हैं जब वो अपनी इंद्रियों को मुझ पर लगाता है, मत पर मुझ पर लगाता है, जैसे अमरीश महाराज लगाते थे, अमरीश महाराज कैसे लगाते थे, आंख को कैसे लगाना है, दर्शन के लिए भगवान का, ये दुनिया भर का मूवी टीवी मत देखिए, हाथ को कहाँ लगाना है भगवान की सेवा में, पैर को कहाँ लगाना, मंदिर आना परिक्रमा करने में, नाक को कैसे लगाना है भगवान की तरह सूंघने फूल सूंघने में, ये फूल सूंघिए, कान कैसे श्रवण आप जैसे लेक्चर सुन रहे हैं, मुंह को कैसे प्रसाद में, बोलना कैसे कीर्तन में, अपने आप कंट्रोल हो जाएगा सेंसेस, क्योंकि ये सब सेंसेस से माइंड के पास क्या जाएगा, कृष्ण, मन में कृष्ण बैठेंगे तो और संसारों कुछ अट्रैक्शन हो गई नहीं, सिम्टम है। हम लोग क्या कर रहे हैं, व्हाट्सएप यूट्यूब शॉर्ट्स इंस्टाग्राम फेसबुक, मन में सब जा रहा है, अब मन जब हमारे कुछ डिमांड करता है तो वही सब डिमांड करता है जो कि मन में होता है, पहले से अपने फीड कर रखा है, राइट। इसलिए डिवोशनल सर्विस को फायर के जैसे तुलना की गई, जब भक्ति करते हैं तो समस्त पाप को नष्ट कर दिया जाता है अपने आप, ठीक है। एक अभी 10 श्लोक बाकी, बस चैप्टर पूरा हो जाएगा, मुझे 10 मिनट्स लगेंगे और। तो कैसे होता है, स्टार्ट कहाँ से होता है पता आपको, प्रॉब्लम्स स्टार्ट कहाँ से होता है, देखने से नहीं होता कोई चीज़ को। जैसे आपने माताएं कहीं से जा रही, बहुत सुंदर ड्रेस देखा, देखने से अट्रैक्शन नहीं होता, देखने से कोई नॉस नहीं होता, देखते रहने से होता है, देखते रहे हो कितना अच्छा है ना, बस ध्यायत विषयान पुंसा संगस्ते सुपजायते संगा संजायते कामा कामा त्रुत बजायते। किसी व्यक्ति को देखते वस्तु को देखते 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 अट्रैक्शन हो जाता है, उसको पाने की इच्छा होती है और हर चीज आपके अनुसार मिलता नहीं है, मिलता नहीं तो क्रोध आता है, क्रोधात भवती सम्मोह सम्मोहात स्मृति बभ्रमा स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात प्रणशति। क्रोध आता है तो समझ में नहीं आता, समझ नहीं आता तो गलत निर्णय लेते हैं, गलत निर्णय लेते हैं तो गलतियां होती है और हमारा फॉल डाउन होता है, ये बोल रहे हैं फॉल डाउन का सिस्टम। तो देखने से होता है, देख कर मेडिटेट मत करो, नजर हटा लो, जैसी आपको कुछ लग रहा है ये चीज मेरे गलत है नजर हटा लो। हमारा समस्या क्या, देखते रहते, देखने में क्या, देखने में ही सब कुछ है, देखना कम कर दीजिए सब ठीक हो जाएगा। ओके, लास्ट क्वेश्चन है, हाउ डज ही वॉक, करता क्या है, तो ये इसमें आंसर करें 64 से 71 में, वाइल एंगेज सेंसेस ही डज विथ रेगुलेशन रिलीजियस प्रिंसिपल्स रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करता है। देखिए रूल्स रेगुलेशंस ही हमको बचाते हैं, याद रखना। अब मेरा क्वेश्चन है, यहां से आप वापस घर जाते हैं, सारे सिग्नल खराब है, घर जल्दी पहुंचेंगे लेट पहुंचेंगे, लेट क्यों पहुंचेंगे, कोई सिग्नल ही नहीं है, उधर से भी एक डेढ़ होशियार आ रहा होगा, इधर से होशियार जा रहा है, उधर से डेढ़ होशियार, वहां पर राम और भरत का मिलन हो जाएगा, निताई घोर प्रेमन, ठीक है। एक बार हम मायापुर से आ रहे थे, हमारा जो ड्राइवर है ऐसे चलाते हैं मायापुर वाले, ऐसे लगता है गाड़ी के नीचे घुस ही जाएंगे, प्रभु जी बोलते हैं इतना करीब से ले जाता है गाड़ी, ऐसे लगता है बस साधु संग हो ही जाएगा यहाँ पर, साधु संग सर्व शास्त्र का है और लव मात्र साधु संगे सर्व सिद्धि हुए, बेचारे का मर जाएगा व्यक्ति। तो हम रूल्स रेगुलेशन इसलिए फॉलो करते हैं, उसी से हम प्रोग्रेस करते हैं। अब ध्यान दोगे तो जितने भी चीज आपको आज गुणवान बना रहे हैं वो सब रूल्स रेगुलेशन से आए, सीधे हाथ से खाना, ठीक से बैठना, ठीक से बात करना, ब्रश करना, सौच जाना, हाथ धोना, अच्छे से खाना, बर्तन अपने कपड़े अपने धोना, जितने चीजें माता पिता ने डांट फूट के मार मोर के रूल्स बताया है तब आपके दिमाग में बैठा है।
छोड़ देते तो क्या थे पशु। स्विच बंद करो, स्विच ऑफ करो, स्विच ऑफ करो, ऐसे क्यों बैठे हो, ऐसे क्यों बैठे हो, ठीक से बैठो, कैसे बैठे हो, ऐसे बैठता कोई सोफे में क्या। कितना टोका पेरेंट्स ने मारे रूल्स के लिए। गवर्नमेंट हमें चालान कर रही है हमारे हेलमेट को हमें लगवाने के लिए ताकि हमारा सर न फूटे, और हम क्या करते हैं साइड से निकाल लेते हैं, बोले बेवकूफ बना दिया उसको, बेवकूफ बना के अपना सिर फोड़वाऊंगा, कितना दिमाग तेज है मेरा। ठीक, उसको पता ही नहीं चला। एक व्यक्ति मेरे साथ बैठा था, उसने क्या किया ना, यहाँ पर एक ना पट्टा टांग लिया, बेल्ट, बेल्ट नहीं था, सीट बेल्ट नहीं था, एक लाल कलर का बैग टांग लिया, बोलते देखना पता नहीं चलेगा उसको, मतलब उधर से जो गाड़ी आएगी ना मारेगी तो यमराज जी को पता चल जाएगा कि बेल्ट नहीं लगाए। किसको बेवकूफ बना रहे हैं। तो रूल्स रेगुलेशंस जब हम फॉलो करते हैं ऑटोमेटिकली हम प्रोग्रेस करते हैं। तो ये सिम्टम्स क्या, वो वॉक मतलब चलता कैसे, सेंसेस को जैसे ही रूल्स का मौका मिलता है रूल फॉलो करते हैं। लेकिन हमारा बद आत्मा का लक्षण पता क्या है, वो गार्ड के पास ना चेक नहीं कराना चाहते हैं। नहीं सोचो आप ऐसे आए और गार्ड बोले नहीं सर आप चलिए, ऐसे बोल रहे, इतना प्राउड फील होता है, देखा अपना भी जलवा है, कोई रोका ही नहीं हमें। लेकिन आप जब उसको भी फॉलो करो, एक बार गुरु महाराज ने नीचे से आ रहे थे, गुरु महाराज को चेक नहीं करेंगे डेफिनेटली, गुरु गुरु है, महाराज बोलते मुझे चेक क्यों नहीं कर रहे हो, बोले नहीं महाराज आप तो आपका बंदे तो आप ही का है, बोले मेरे बैग में कोई रख सकता है, बॉम्ब किसी को रखना हो तो मेरे बैग में रखे, मुझे भी चेक करो। लेकिन ये होता है एक शुद्ध भक्त का लक्षण, वो सारे रूल्स फॉलो करता है। और जो भक्त नहीं होगा ना, और जो एडवांस नहीं होगा, रूल तोड़ने मजा आता है, सीधी लंबी लाइन लगी प्रसाद के, हम साइड से जाएंगे, जानते नहीं कौन है, ऐसे होता है, हम नहीं फॉलो करना चाहते। नहीं अच्छा भक्त हो, बोले नहीं रूल्स फॉलो करेंगे अच्छा लगेगा। यदि आचरति शिष्ट तत्तदेवतरो जना से प्रमाणं कृते लोकस्तद अनुवर्तते। 321 में भगवान ये बोल रहे हैं, आम जनता उसी को फॉलो करती है जो लीडर रूल्स को फॉलो करता है, राइट। तो इस प्रकार से भगवान भगवान की कृपा प्राप्त करता है कि अपने सारे सेंसेस को भगवान की सेवा में लगाता है। तो उससे क्या होता है, उसको प्रसादे सर्व दुखानाम, उसको सारे दुखों से मुक्ति मिल जाती है क्योंकि भगवान की कृपा प्राप्त हो जाती है। अब मैं बताने जा रहा हूं आपको सुख कैसे प्राप्त करते हैं। सब चाहते हैं सुखी होना, बहुत इजी है। भगवान ने बोले हैं ध्यान से, लास्ट वाला पढ़िए, नास्तिर बुद्धिर युक्तस्य ना च युक्तस्य भावना ना चद्भावितः शांतिर अशांतस्य कुतः सुखम। उल्टा पढ़ते, सुखी होने के लिए क्या चाहिए, शांति चाहिए, शांति होने के लिए क्या चाहिए, मन शांत चाहिए। मन शांत होने होने से क्या होगा, कैसे होगा, जब बुद्धि शांत होगी। बुद्धि कैसे शांत होगी, अयुक्तस्य यानी भगवान की सेवा में युक्त नहीं होगा, तो यानी बुद्धि भगवान की सेवा में लगी हुई है। बुद्धि किसको कंट्रोल करती है, मन को, तो मन कैसा हो जाएगा कंट्रोल में, मन कंट्रोल होगा तो शांत होंगे, शांत होने से संतुष्टि होगी, संतुष्ट होने से सुख आता है। जैसे बताइए आप गुलाब जामुन खाते हैं, गुलाब जामुन खा के आपको अच्छा लगा, बहुत आनंद आया, तो आनंद एक चीज हो गई और गुलाब जामुन हो गया। गुलाब जामुन प्रोडक्ट है और आनंद बाई प्रोडक्ट है, ठीक। तो बाई प्रोडक्ट के लिए आप प्रोडक्ट को चूज करते हो, तो हैप्पीनेस जो है वो बाई प्रोडक्ट है, और प्रोडक्ट क्या है, बुद्धि को भगवान में लगाना। जो भगवान में बुद्धि को भगवान में लगाता है तब उसको सुख मिलता है। हम क्या चाहते, सीधा सुख चाहते हैं। गुलाब जामुन कैसे लगा, अच्छा नहीं लगा, गुलाब जामुन खाए थे, बोले खाए तो नहीं है, तो बिना खाए कैसे बोल रहे हो सर, बोले हम बिना खाए बताएंगे, ये पागलपन है। हम भी यही बोलते हैं, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, पहले भक्ति को पूरा अपनाओ, सारे रूल्स रेगुलेशंस अच्छे से, फिर आप आके बोलोगे नहीं हमें अच्छा नहीं लग रहा, सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा है। एक माला कराते हैं शुरू में, जिंदगी भर बेचारा माला करता रहता है, क्यों अच्छा लगता है इसलिए करता है, राइट। इसलिए सुखी होने के लिए क्या चाहिए, मन को भगवान में युक्त करना पड़ेगा। स्थित प्रज्ञ, स्थित का मतलब होता है स्टेबल, ज्ञ का मतलब ज्ञानी, अपने नॉलेज को स्थिर करता है किसमें, ज्ञ प्रज्ञ, प्रज्ञ मतलब प्रकृष्ट रूपे ना, किस पर, भगवान पर, अपनी बुद्धि को भगवान पर करता है। अब बुद्धि को भगवान में लगाने का दो तरीका है, श्रवणम और अध्ययनम, शास्त्र को पढ़ना सुनना। जैसे आप रेगुलर आएंगे ना पूरे 18 क्लास में, तब भगवत गीता का ना
आपको सुनाई देने पर समझ में नहीं भी आएगा ना, तो भगवान अपनी मर्सी देंगे आपको समझ नहीं ले। क्यों बता? आपने प्रयास किए। देखिए आप मेरी मेरे बारे में जानने के लिए एक बुक उठाओ, मेरी बुक उठाओ मेरे बारे में जानने के लिए, और नहीं समझ पा रहे हो तो मैं बोलूंगा मैं बताता हूँ, मत नहीं समझ पा रहा मैं बताऊंगा, क्योंकि आप मेरे बारे में जानना चाहते हो। ऐसे भगवान के बारे में जानने के लिए कोई लगा रहेगा उसको समझ में नहीं आएगा तो बोले छड़ यार मैं बता रहा हूँ चिंता मत कर। इसलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं जैसे कोई बुक खोलता है मैं कृष्ण के बारे में जानना चाहता हूँ, कृष्ण अलर्ट हो जाता है मेरे बारे में जानने की कोशिश कर रहा है, लेट मी हेल्प हिम। आप जानने का प्रयास नहीं कर रहे तो कौन हेल्प करेगा? ठीक है, रिजल्ट क्या होगा? कृपा मिलेगी भगवान की, जैसे प्रहलाद महाराज को इतनी मेहनत करने पर कृपा मिली थी, है ना। और एनीवे थोड़ा सा आगे चलते हैं, ये हो गया है। हमारा मन जो है वो विपरीत दिशाओं में ज्यादा भागता है। हम लोग क्या चाहते हैं? ऊंट के समान। ऊंट क्या खा रहा है? कांटे। कांटे खाने से क्या मिलता है? उसके दांत में से खून निकलता है और खून को चूसता है। क्या बोलता है? खाटे में इतना टेस्ट है, खाते ही नहीं लोग, इसको पता ही नहीं है। एक बार टीवी देखो, मूवी देखो, मॉल्स जाओ, पब्स जाओ, डांस करो, ड्रिंक करो, तो पता चला कितना आनंद है। अरे भाई लोगों घर बर्बाद होते के देख लिया हमने, अलग से प्रैक्टिस करके देखने की जरूरत नहीं। क्या पूरा जीवन भर शराब पी के बोलोगे नहीं शराब शराब बहुत बेकार चीज है? राइट, आप किसी दूसरे को देख के पता कर सकते हो उसका जीवन बर्बाद हुआ, मुझे बर्बाद नहीं होना। दूसरे के एक्सपीरियंस से एक्सपीरियंस लीजिए। हाँ, अब कोई बोलता है क्या भगवान के भक्तों के जीवन में कष्ट नहीं आते? आते हैं, पर वो क्या होता है? आपुर्यमाणम अचलम प्रतिष्ठम। वो क्या करता है? समुद्र मापम प्रविशंति यद्वत। जैसे समुद्र में कितना सारा नदी आता है, सारों दिशाओं समुद्र में आता है नदी, समुद्र अपनी सीमा तोड़ता है नहीं। ऐसे भक्त के जीवन में कष्ट आते हैं, इच्छाएं होती है, पर वो डिस्टर्ब नहीं होता, समुद्र के समान सॉलिड रहता है। और भक्त क्यों सॉलिड रहता है? पूरी तरह भगवान पर आश्रित रहता है, डिजायरलेस होकर पूरी तरह भगवान में आश्रित रहता है। तो ये कंक्लूजन है। वन द सिचुएटेड एट द टाइम ऑफ डेथ इंटर्स टू द किंगडम ऑफ गॉड। 71 श्लोक में, 72 श्लोक में बोल रहे हैं भगवान कि जो व्यक्ति भगवान पर आश्रित रहता है मृत्यु के समय वो भगवत धाम प्रवेश कर जाता है। इसका मतलब हमेशा भगवान पर आश्रित रहना चाहिए, मृत्यु कभी भी हो सकती है, राइट, आज भी हो सकती है और शाम को भी रात को भी हो सकती है। कल का क्यों इंतजार कर रहे हो? ठीक है, तो इसलिए जो व्यक्ति पूरे समय हमेशा 24 घंटा कृष्ण कॉन्शियस रहेगा वो सेफेस्ट व्यक्ति है। कभी कभी होने वाला का चांस गड़बड़ हो जाएगा। मैं एक लास्ट एग्जाम्पल बता रहा हूँ, फिर फिनिश करेंगे, दिस इज लास्ट स्लाइड। तो जो व्यक्ति, मैं एक बार मायापुर परिक्रमा में गया हुआ था, तो मैं उस समय हेल्थ ठीक नहीं था, लूज मोशन हो रहे थे, मैं स्नान करने गया 2:30 बजे रात को। तो वहां पर ना कुएं में पानी में तालाब में नहा कराया, अंधेरा था, तो मैंने बोला तिलक नहीं लगाता हूँ, रहने दो, सुबह अब 4 बजे फिर लगाना है नहाने के बाद, तिलक नहीं लगाऊंगा। तो एक भक्त जगा हुआ था, बोलता प्रभु तिलक नहीं लगाया आपने? बोला तुम जग रहे हो? बोले यस प्रभु जी। मतलब मैं सोचा सुबह लगा लूंगा। प्रभु जी आपने एक बार लेक्चर में कहा था कि तिलक लगाने वाले व्यक्ति को यमदूत छूते नहीं है। बोला हाँ। बोले यमदूत अभी आ गए तो? यार तुम डरा रहे हो फालतू रात, मैं भाई अंधेरे में टॉर्च चला के भी तिलक लगाया था। ही वॉज राइट भाई, ऐसे भी नहीं कि यमदूत ढूंढ रहे होंगे कि भाई कब ये तिलक लगाना बंद करेगा तभी मारे, जैसे नहाने गया तिलक पिट के पकड़ लो इसको, ऐसे नहीं करते हैं, पर एग्जाम्पल समझा रहे हैं। इसलिए जो 24 घंटा भक्ति करता है उसको कोई दुख ही नहीं होगा, टेंशन ही नहीं है, अबे जब भी मरूंगा कृष्ण का साथ सबकी मरूंगा। और जो कभी कभी आता है, जैसे एक व्यक्ति बोलता है मैं बड़ा रेगुलर आता हूँ इस्कॉन में, हर जन्माष्टमी में रेगुलर हूँ। जन्माष्टमी में रेगुलर, साल में एक बार आता, कौन सा रेगुलर हो भाई? तो व्यक्ति कृष्ण कॉन्शियस नहीं है, वो प्रैक्टिस कर रहा है, ठीक है। जैसे श्रद्धालु जो रेगुलर भक्ति कर रहा है घर पर या मंदिर में आकर, इज ए प्योर डिवोट। हरे कृष्ण। एनी क्वेश्चन? ओके, 2 मिनट रुक जाइए। हाँ ये अच्छा है, टिकट नहीं है हमें, लास्ट 2 मिनट अनाउंसमेंट सुख जाना चाहिए, ठीक है, नो क्वेश्चन, अनाउंसमेंट्स करेंगे फिर आप लोग जा सकते हैं। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।